जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने मिथ्यात्व और समकित, अभी लास्ट क्लास से यही चल रहा है, वंदितु की 6 गाथा हो चुकी है और उसके अंदर मिथ्यात्व के लगभग 100 आसपास के जितने भेद और समकित के 67 भेद ये हमने जाने। कल के क्लास में तो हमने सम्यकत्व के 67 भेद जाने और कैसे हम अपने सम्यकत्व को बचा सकते हैं, सम्यकत्व कैसे पा सकते हैं, ये सब चीज़ हमने जानी। अब आज का जो 7वीं गाथा है वंदितु सूत्र की, वो है चारित्र प्रतिक्रमण अधिकार। 7वीं गाथा है कि चारित्र प्रतिक्रमण अधिकार और 12 व्रत जो श्रावक के होते हैं, जो देश वृत्ति चारित्र होता है उसमें देश चरित्र प्रतिक्रमण का अधिकार ये गाथा में कहा गया है। इसमें श्रावक के पहले सामान्य से समारंभ और आरंभ की सामूहिक निंदा बताई है। ये जो 7वीं गाथा है उसमें श्रावक के आरंभ समारंभ की बात की है और आरंभ समारंभ की निंदा या उसका प्रायश्चित वो है चारित्र प्रतिक्रमण अधिकार। उसका प्रायश्चित करेंगे तो ही चारित्र को हम पा पाएंगे, क्योंकि श्रावक को तो ज़्यादा जीव दया का पालन नहीं हो सकता। पंच महाव्रत में संपूर्ण 20 वसा दया का पालन होता है, लेकिन श्रावक में तो बिल्कुल खाली सवा वसा दया का ही पालन हो सकता है। इसीलिए ये देश चारित्र प्रतिक्रमण अधिकार के रूप में श्रावक को आरंभ समारंभ का त्याग करना कहा गया है। इस वृत्ति का ये भावार्थ है छकाय समारंभे। छकाय का मतलब है पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये जो षट काय या छह काय आप कह सकते हैं, षट काय भी कह सकते हैं उसको, तो ये जो त्रस काय में तो सब आ जाएंगे, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय, ये सबके सब आ जाएंगे षट काय में। तो जो भी ये जीव, सारे के सारे जीव षटकाय में आ जाते हैं, क्योंकि त्रस्काय में बाकी के सारे बेन्द्र तेन्द्र भी, ये चौरिंद्र पंचेंद्रिय और संगनी असंगनी सब आ गए। अब आगे जाएंगे तो ये जीवों को पीड़ा आदि अगर कोई देता है, ये जो षटकाय 6 प्रकार के मतलब सबके सब जीवों को जो पीड़ा आदि देता है उसको छकाय समारंभ कहा जाता है। समारंभ का शब्द है जीवों को हानि पहुंचाना, जीवों को पीड़ा देना, जीवों का वध करना। आगम ये कहा गया है संरम समारंभे आरंभत है वय मनम पवत्त मागम मानम तु नियंतिज जगम जयी। मतलब कि जीवों की यतना करता हुआ मुनिराज, अगर कोई मुनिराज से भी जीवों की यतना हो रही है तो संरम समारंभ और आरंभ इन प्रवृत्तियों, आरंभ की प्रवृत्ति से मन को पीछे हटाते हैं। तो ये वचन से सर्वम समारंभ और आरंभ ये तीनों प्रकार का शब्द पाठ में आया है। हम ये तीनों शब्दों को समझेंगे कि समारंभ क्या है, संरम क्या है और आरंभ क्या है। इसमें 6 काय जीवों को तकलीफ हो, पीड़ा हो, तर्जना हो तो उसको आरंभ कहा है। तो ये आरंभ मन द्वारा संकल्प करना, अब ये आरंभ हुआ उनको पीड़ा देना और उसको उसका मन से संकल्प करना, वो हुआ संरम्भ। अब उन जीवों को परिताप या पीड़ा आदि हो उस प्रकार से आरंभ, उसको आरंभ, जैसे कि उनको काया से पहले आपने मन से संकल्प किया कि नहीं मुझे ये जो पेज कंट्रोल है वो कराना है, मैंने मन से ही ये पहले तय किया तो ये शुरू हो गया संरम्भ। उसके बाद मैंने उसको उस प्रकार को आरंभ का संकल्प किया कि नहीं अभी जैसे फ़ोन वोन किया, बुकिंग किया तो ये संकल्प हुआ कि नहीं अब मुझे ये काम करना ही है, तो ये हुआ। अब उन जीवों को मैं दवाई सब लगाने के बाद परितापना पीड़ा आदि जो जीवों को प्राप्त होती है उस प्रकार के आरंभ को समारंभ कहा जाता है। समारंभ कि भाई पहला हुआ आरंभ का संकल्प हुआ तो संरम्भ, अब आरंभ हकीकत में हुआ तो वो हुआ समारंभ।
अब और इन जीवों का प्राण का वियोग हो। अब जीवों के प्राण का वियोग, तो अब आपका ये पूरा जो कार्य है वो पूरा हुआ, तो अब ये आरंभ होता है, इसको ही आरंभ कहा जाता है। मन वचन काया तीनों से आपने ये काम कंप्लीट किया तब ये आरंभ हुआ। पहले आपने संकल्प किया तो संरंभ हुआ, फिर आपने वो क्रिया की तो समारंभ हुआ, और अब ये तीनों से ये कार्य पूर्ण हुआ तो ये आरंभ हुआ। मतलब संरम, समारंभ, आरंभ। पहले आप तय करते हो तो संरम, फिर उस प्रकार की क्रिया का संकल्प और वो कार्य शुरू करते हो तो समारंभ, और अंतिम जो आपके ऊपर कर्म चढ़ा, जो पाप चढ़ा या जो कुछ भी हुआ वो हो गया आरंभ। तो जीवों को तर्जना करने का संकल्प है वो संरम, जीवों को पीड़ा परिताप देने का कार्य है वो समारंभ, और जीवों को उपद्रव करके उनके प्राणों का विनाश हो जाए वो हो गया आरंभ। ये बात सर्व विशुद्ध नयो से सिद्ध होती है। और संरम, समारंभ, आरंभ, संरम, समारंभ, आरंभ, ये तीनों के कारण जो भी अतिचार ही नहीं परंतु पाप दोष भी लगा हो, क्योंकि खाली अतिचार नहीं लगेगा, यहाँ अतिचार अनाचार नहीं है, यहाँ पाप दोष भी लगा हुआ है, तो ये सब पापों का हम प्रतिक्रमण करेंगे। तो यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि श्रावक ने अतिचार के बदले पाप का शब्द का उपयोग क्यों किया, क्योंकि अतिचार अब ऑलरेडी पाप हो गया है, जीवों की हानि हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब तो ये पाप हो गया, ये पाप चढ़ गया। अतिचार का अर्थ ये हुआ कि उसमें हानि या हिंसा नहीं होती, ठीक है। समाधान, अब ये श्रावक जब व्रत आरंभ अंगीकार करते हैं तब कार्य के ये षटकाय के आरंभ त्याग करने का स्वीकार वो नहीं करता है, बराबर। श्रावक के व्रत में ये षटकाय का त्याग आरंभ तो पॉसिबल ही नहीं, त्याग करना उसको तो कुछ भी खाने पीने नहाने धोने या कोई चीज लाने छोड़ने में भी उनको तो ये कार्य करना ही पड़ेगा, षटकाय की विराधना श्रावक से तो होगी ही होगी। इसीलिए जो त्याग किया हो, अगर श्रावक तो इसका त्याग ही नहीं कर सकता, जिसका त्याग किया हो और आप कार्य करो उसमें दोष लगेगा, आपने तो ये त्याग ही नहीं किया, आपने तो ये त्याग ही नहीं किया, तो ये स अतिचार कहलाएगा, ठीक है। जिसका त्याग ही नहीं किया उसमें अतिचार नहीं है, अगर त्याग किया और काम किया वो पाप हुआ तो वो सब अतिचार सहित आएगा, लेकिन जिस चीज का त्याग ही नहीं किया है उसमें अतिचार का अभाव हो जाएगा। अतिचार तब लगेगा जब आपने बाधा ली हो, आपने तो ये सटकाए के आरंभ समारंभ का त्याग किया ही नहीं, तो इसलिए इसमें आपको अतिचार संभव नहीं, अतिचार का अभाव है, लेकिन पाप दोष तो जरूर लगेगा क्योंकि जीव हिंसा हुई। पयणे अपयावणे अजे दोषा, पयणे अपयावणे मतलब कि या तो भोजन पकाने पयणे या पयावणे दूसरे द्वारा पकवाना, आप भोजन पकाओ या दूसरे द्वारा पकवाओ, आप पयणे करो या पयावणे करो, तो ये करने के कारण जीव हिंसा होगी। और ये किए बिना कोई आपके पास चारा नहीं है, इसलिए आप इसका नियम तो ले ही नहीं पाओगे। महात्मा जरूर ले पाएंगे क्योंकि उनको खाना वाना बनाने के लिए नहीं जाना, आपको बनाने जाना है, इसीलिए आप इसका नियम ले ही नहीं सकते। अन्न शब्द से भोजन पकाने की अनुमोदना करने में भी पाप लगेगा। और उसके बाद अतट्ठा या परट्ठा मतलब कि अपने खाने के लिए या पर के खाने के लिए, अतट्ठा मेरे लिए या फिर परट्ठा दूसरी व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए, तो आपको उभयट्ठा चेवतन निंदे, अतट्ठा परट्ठा उभयट्ठा चेवतन निंदे, मतलब दोनों मेरे खाने के लिए भी दूसरे के खाने के लिए भी, तो दोनों के खाने के लिए, अन्य शब्द से किसी का अनाज बिगाड़ने के लिए या फिर वो आहार बनाने के लिए आपने जो भी षटकाई की हणना आपसे हुई है उसके लिए, ठीक है। बिगाड़ने से, निरर्थक पकाने से, पकवाने से लोक में तो निंदा होगी ही होगी, और यही कारण है कि उभयठा चेव तन्निंदे।
एक बार फिर से मैं ये बात जो शुरू की थी वो बता देती हूँ। वंदितु सूत्र की 6 गाथा हो चुकी है। वो 6 गाथा में सम्यकत्व और मिथ्यात्व बराबर ये दोनों को हमने समझा। मिथ्यात्व के लगभग 100 के आसपास भेद आए, सम्यकत्व के 67 भेद आए। अब परमात्मा ने अब आगे जो शुरू किया है वो है चारित्र, चारित्र के प्रतिक्रमण का अधिकार। चारित्री का प्रतिक्रमण का क्या अधिकार है अब ये परमात्मा ने बताया हुआ है कि जब 12 व्रत रूप देश चारित्र प्रतिक्रमण हम जब श्रावक लेते हैं तो उनके लिए क्या, उनके अधिकार में क्या है उसको अब यहाँ बताया गया है। गाथा है 6 काय समारंभे। 6 काय समारंभ मतलब 6 काय, षट काय। षट काय में सभी जीव आ जाते हैं। षट काय में पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये 5 काय तो हो गए एकेंद्रिय के। अब त्रस काय हुई तो उसमें विकलेंद्रिय भी आ गए, पंचेंद्रिय संगनी भी आ गए, पंचेंद्रिय संगनी भी आ गए, तो सब जीव आ गए। षटकाय में सब जीव आ गए तो ये षटकाय की जीवों को पीड़ा आदि विराधना होना ही समारंभ है। बराबर षटकाय का पीड़ा होना ये होना ही समारंभ है। और जीवों की यतना करते करते जब हम कार्य करते हैं, श्रावकों को जो कार्य करना पड़ता है या धंधा कार्य हो, रसोई हो, खाना पीना बनाना हो, तो ये जैसे कि पैणे या पयावणे मतलब खाना पकाना पकवाना दोनों। पैणे का मतलब है पकवान पकाना और पयावणे मतलब दूसरों के द्वारा पकवाना। और अतट्ठा या परट्ठा, अतट्ठा का मतलब है हमारे खुद के खाने के लिए और परट्ठा का मतलब है अन्य के खाने के लिए। और अतट्ठा है परट्ठा उभयट्ठा मतलब कि दोनों, मेरे लिए भी दूसरों के लिए भी, सबके खाना बनवाना या पकवाना। तो श्रावक को ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। इसमें आप ना कोई भी कारण से आप ये बोलो कि मुझे ये दोष नहीं लग सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक बात पे ध्यान देना है हमको कि हमको ये बाधा ही नहीं दे दी जाती। देशवृत्ति में आपको स्थूल प्राणातिपात दिया जाता है, मतलब कि सूक्ष्म जीवों की प्राणातिपात की बाधा आपको नहीं दी जाती। आपको बाधा दी नहीं है और आप ये कार्य कर रहे हो तो आपको उसका अतिचार तो लगेगा ही नहीं। महत्व का मुद्दा यह है कि अतिचार उसको ही लगता है जिसकी मैंने बाधा ली और जो मैंने तोड़ दी। एक बात यहाँ पे समझो, अतिचार में ये सबसे महत्व का मुद्दा है। जो हम अतिचार बोलते हैं पक्ष दिन के बाद, पक्ष के बाद, एक पक्ष के बाद, यही कारण है अतिचार रोज नहीं बोला जाता। यही कारण है कि रोज के प्रतिक्रमण में अतिचार नहीं होता, क्योंकि रोज के प्रतिक्रमण के जो क्रिया है वो क्रिया में आपको दोष आए या अतिचार लगे ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अतिचार जब 15 दिन के समय का जो अतिचार आता है उसमें खास करके ये षटकाय की विराधना हुई, तो विराधना हुई षटकाय की। अब षटकाय की आपने बाधा नहीं ली इसलिए रोज तो विराधना होगी नहीं, इसलिए उसका पाप लगता है। समझ में आया? ये मुद्दा अलग है, समझ में आ गया? अनुमोदना करने से भी, पकाने से भी, पकवाने से भी और सबके लिए, तो ये जो लोक में इसके कारण हम निंदनीय बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये षटकाय की विराधना की है। अब यहाँ ध्यान से समझना ये है कि प्रतिक्रमण पापों का होता है, बराबर? प्रतिक्रमण हमेशा पापों का होता है। तो आपके रोज के प्रतिक्रमण में आपने इसकी, क्योंकि आपने इसका अतिचार नहीं किया है, ये अतिचार में नहीं जाएगा, ये पाप क्रिया में जाएगा। ये अतिचार में नहीं जाएगा, ये पाप क्रिया में जाएगा, क्योंकि षटकाय की विराधना श्रावक की सिर्फ सवाविसा की ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। महात्मा का सूक्ष्म व्रत होता है अहिंसा व्रत, तो उनके लिए ये पॉसिबल है कि उनको ये पाप नहीं चढ़ता है, ठीक है। और वैसे भी वो गोचरी के लिए आते हैं, बनाते तो आप हो, तो आपके बनाने के या उनके लिए बनाने में भी तो पाप तो आपको ही लगाना, अतट्ठा या परट्ठा, आपके लिए भी और उनके लिए भी।
और बस एक ही चीज हो जाए, अगर उनके लिए स्पेशल बनाया हो तो ही उनको दोष लग सकता है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। आओ, तो ये हुआ हमारा भोजन परोसना पकाना, उसका दोष। अब भोजन परोसने में भी अगर अलग तरीके से दोष लगेगा, ये पकाने का तो लग गया, परोसने में भी पंक्ति भेद। पंक्ति भेद का मतलब कि जो सीरीज में जा रहा है, एक के बाद एक व्यक्ति बैठी है खाने के लिए, आप सब में से किसी को गर्म खाना दे, रोटी दे रहे हो, किसी को गर्म नहीं दे रहे हो, ये पंक्ति भेद हो गया। पंक्ति भेद में भी ये हो गया कि ये प्योर घी का खाना बना है तो ये स्पेशल व्यक्ति के लिए चार चीज अलग है, बाकी के लिए चार चीज नहीं है, ये भी पंक्ति भेद, इसका भी दोष लगेगा, इसका भी दोष। निरर्थक भोजन पकाने वाला, खाने वाले दो लोग हैं और दस लोग का खाना आप बनाओ तो निरर्थक भोजन बना दिया, निरर्थक जीव की। क्योंकि एक बात अभी हमें बहुत क्लियर समझनी है कि आप जब भी खाना बनाते हो षटकाय की विराधना होती, तो निरर्थक तो विराधना नहीं करनी चाहिए ना, ये तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। नाप से बनाओ, जो बनाया है उसका उपयोग करो, ये बहुत जरूरी। अपने धर्म की सदा निंदा करने वाला, अपने धर्म की सदा निंदा करने वाला कि धर्म में तो ये बोल दिया है खाना है जूठा नहीं छोड़ना है, खाना वासी नहीं खाना है, दूसरे दिन नहीं खाना है, ये सब ठीक नहीं है। एक तरफ बोल रहे हैं कि विराधना मत करो, जीव हिंसा कम करो, षटकाय की विराधना कम करो, और एक तरफ खाना बचा हुआ पड़ा हो तो दूसरे दिन खाने के लिए मना कर रहे, मना नहीं कर रहे, दूसरे दिन उसमें तो और भी इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो जाती, इसके लिए मना किया हुआ है। तो ये सारी चीज की निंदा करने वाला और मरे मनुष्य की शैया लेने वाला, ध्यान ये देना है मरे मनुष्य की शैया, क्योंकि मरे हुए मनुष्य की शैया को शायद इसीलिए त्याग दिया जाता है। देखो यहाँ ये पाठ आने से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो वो पथारी को त्याग दी जाती है, बराबर। तो ये चार चीज करने वाला, भोजन परोसने वाला में पंक्ति भेद करने वाला, निरर्थक भोजन बनाने वाला, अपने धर्म की सदा निंदा करने वाला और मरे हुए मनुष्य की शैया लेने वाला मनुष्य मरने के बाद फिर से पुरुषत्व प्राप्त नहीं करता है। मतलब वो तिरंज जाएगा, नरक में जाएगा और निम्न गति पाएगा, लेकिन पुरुषत्व मनुष्य भव भी उसको वापस नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब वंदितु की जो तीसरी गाथा है, अब यहां बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि दुवी है परिगहम में, उसमें आरंभ की निंदा का प्रकरण आ गया, तो यहां फिर से आरंभ दुवी है परिगहम में भी आ गया है, तो अब यहां फिर से आरंभ की निंदा क्यों की है, तो यहां इसलिए की गई है कि बहुविहे आरंभ, मतलब यहां बहुविध प्रकार से आरंभ करने का निषेध कहा गया है। अब यहां छह काय का निषेध आरंभ करने के लिए निषेध कहा गया है, ठीक है। तो प्रतिक्रमण को, इस निंदा को प्रतिक्रमण के अर्थ में लेकर शास्त्र ने निषिद्ध आरंभ की। श्रावक से अति लोभ के कारण ये हो सकता है, इसका भी प्रतिक्रमण बताया है। आगे जाएंगे, सम्यक दृष्टि श्रावक सावध्य आरंभों में, सम्यक दृष्टि श्रावक की सावध्य आरंभों में निर्वाह के लिए प्रवृत्ति होती है। अगर कोई दृष्टि सम्यक दृष्टि श्रावक है तो उसको निर्वाह करने में आरंभ तो करना ही पड़ेगा। उसके हृदय में छह काय जीवों की विराधना करने वाले मैं धिक्कार के पात्र हूं, ऐसा शुभ भाव होता है। अब यहां एक बात समझनी है, जो श्रावक ये सोचेगा कि ये कार्य करने के कारण से मैं धिक्कार के पात्र हूं, मुझसे ये षटकाय विराधना हो रही है, अगर जिसको ये समझ आएगी ना, वो ही सम्यक दृष्टि। अन्य को तो ये समझ ही नहीं आएगी, अन्य को तो बोलेगा कि अरे ये तो जरूरी है, ये कोई ये जीव मारने से कोई जीव मरते नहीं है, या तो फिर ये कार्य करने से हमें पाप नहीं चढ़ता, वो ये समझ लेगा, ठीक है। तो हृदय में जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा को धारण करना, और लेकिन फिर भी मैंने तो ये परमात्मा की आज्ञा को धारण कर लिया है, फिर भी मैं पुण्यहीन हूँ, जो मैं ये चारित्र, मेरा चारित्र देशवृत्ति है और षटकाय की विराधक रूप मैं
पापी हूँ या मैं पाप का प्रायश्चित मुझे करना चाहिए, मुझे इससे क्या लाभ, मैं ये पाप कर रहा हूँ, ऐसा खेद उसको आए और वो प्रतिक्रमण में इसका प्रायश्चित करे। इस प्रकार श्रावक के सदा परिणाम होते हैं। समझ में आया? वचन से आचरण अत्यंत दूर है। ये आप कोई वचन लेकर या स्थूल हिंसा का नहीं, लेकिन महाहिंसा का, आप पंच महाव्रत वाला आप लेकर, सर्ववीरती धर्म लेकर आचरण आप नहीं कर सकते, लेकिन आप सदा प्रायश्चित के रूप में तो जरूर जा सकते हो। बराबर? आओ, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं मुनिराज के लिए आहार बनाऊं तो और पकाऊं तो उससे मुझे पुण्य होगा। ये देखो, अब यहाँ एक बात महत्व की ये है कि मुनिराज को स्पेशल सोचने के बाद आप उनके लिए आहार बनाओ कि चलो थोड़ा खाना बना दो, ज़्यादा महात्मा आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आजकल चातुर्मास शुरू हो गया है और महात्मा एक दो दिन छोड़ के घर पे आते ही है। अब ये सोच के आप खाना ज़्यादा बनाओगे तो यहाँ ज़्यादा खाना बनाने का ही बड़ा पाप है। समझना ये है कि मुनिराज नहीं आए तो हम मन में उनकी निंदा भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आए नहीं, बना के तो रखा लेकिन आए नहीं, अब ये खाना ज़्यादा बना है तो उसका दोष भी तो मुझे लगेगा। आप ये भी सोच लोगे, इससे तो बेटर है कि आप खुद खाना अपना जितना ही बनाओ, अपने घर के लोगों के जितना ही, आप चाहे तो 12-1 बजे के बाद आहार करो, नहीं तो फिर वो आहार आप शाम को कर लो, ये सोच के करो बस, तो आप ये दोष से बाहर आ जाओगे। बराबर? पर क्या उससे आपको पुण्य मिलेगा? तो सोच के बनाने का पुण्य कभी नहीं होता है, ये तो हमने पहले के एग्जाम्पल में देख लिया। जैसे कृष्ण राजा को पता चला कि ये इतने 18,000 साधु वंदना करने से मेरी 4 नारकी कट चुकी है, अब मैं 3री नारकी में जाऊंगा, मेरे आयु भी, नारकी के वर्ष भी कम हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं फिर से एक बार वंदन कर लूँ। तो भगवान से बोल दिया, मैं फिर से एक बार वंदन कर लेता हूँ, मेरी बाकी की 3 नारकी भी टूट जाएगी। मतलब भगवान ने बताया कि अब आपको पता है और अब आप काम कर रहे हो तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो कि पता है महात्मा आ रहे हैं और आपने उनके लिए खाना बनाया, पता है कि महात्मा को ये अच्छा लगता है और आपने उनके लिए खाना बनाया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा? ना आपको उसका पुण्य मिलेगा, ऊपर से महात्मा को, आपने महात्मा का सोच के बनाया और महात्मा को वो रहा है, अभी महात्मा ने आहार किया तो उनको पाप लगेगा। समझ में आया? तो आपको कुछ भी साधु के निमित्त आहार बनाना सोच के बनाओगे तो जरूर पाप लगेगा, क्योंकि आपको उनके निमित्त का तो बनाना ही नहीं है, आपको उनके निमित्त का तो बनाना ही नहीं है, और आपको ज्यादा भी नहीं बनाना है, दोनों चीज काम करना है, दोनों काम करना है। आओ, अतट्ठा या परट्ठा का अर्थ ऐसा होता है अपने लिए और दूसरे के लिए या दोनों के लिए, 6 काय समारंभ आदि में जाएगा, बिना छाने, बिना जल का उपयोग किया, बिना छाने अनाज का उपयोग किया और लकड़ी आदि सबको सोधे बिना, अंदर कुछ जीव नहीं है ऐसा सोधे बिना उसका उपयोग किया, गैस चूल्हे में अंदर जीव नहीं है ये सोधे बिना उपयोग किया, तो आपको उसका तो दोष अलग लगेगा, उस तो वो तो त्रस का जीव की आराधना का दोष लगेगा। बराबर? तो श्रावक को छिद्र बिना का मोटा कपड़ा लेना है, जाड़ा, मोटा का मतलब जाड़ा, बड़ा नहीं, जाड़ा कपड़ा लेना है, छानना है और जंतु बिना संखार को अच्छी तरह से झेणा करके ही जपानी का उपयोग करना है। लकड़ी की भी सूखी छिद्र रहित, लकड़ी में छेद नहीं होने चाहिए अगर लकड़ी का उपयोग करो तो, ठीक है। धान्य, मिठाई, शाक भाजी, स्वादिम, खादिम, मुसा, मुखवास, पान, फल, सबके अंदर, जिसके अंदर और बाहर जीव उत्पत्ति ना होती हो वैसा ही उपयोग करना चाहिए। नील फूल, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो उसका भी उपयोग देख लेना चाहिए, और इस प्रकार से सम्यक रूप से देखभाल करने के बाद जल आदि वस्तुओं का श्रावक को परिमित प्रमाण में ही ध्यान देना है, आवश्यकता अनुसार, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, आवश्यकता अनुसार ही आपको आहार बनाने चाहिए।
नहीं तो निर्दयता आदि के कारण से सम संवेग आदि सम्यकत्व के पांच लक्षणों में से अनुकंपा नामक लक्षण में व्यभिचार की आपत्ति आ जाती है। अगर आपने बिना जरूरी ज्यादा भी खाना बना दिया तो आपको अनुकंपा के सम्यकत्व का अतिचार लग जाएगा, व्यभिचार लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। त्रस जीवों के रक्षण के लिए जल, ईंधन, धान्य आदि समस्त प्रकार से शुद्ध ग्रहण करना है और विधि पूर्वक परिभोग करना है, विधि पूर्वक। आओ, अब यहाँ ये कुछ चीजें महाभारत जैसे लौकिक शास्त्रों में भी बताई है, उसका यहाँ उल्लेख इसलिए बताया है कि जीवोत्पत्ति या जीव की हिंसा का त्याग सभी धर्म ने बताया है। सभी धर्म ने ये कहा है, इसको भी यहाँ समझेंगे कि ये हमारे में नहीं, ये महाभारत पुराण में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, बहुत समझने वाली बात। माछी मार को एक वर्ष में मच्छियों को मारते हुए एक वर्ष में उसने जितनी मछलियां मारी होगी उसका टोटल पाप करोगे, उतना पाप सिर्फ बिना छाने पानी के संग्रह करने वाले को एक दिन में लगता है। अगर आपने एक दिन पानी का संग्रह बिना छाने किया, बिना छाने, और जो पाप लगा वो माछी मार पूरे एक वर्ष में जितनी मछलियों को मार के करेगा ना, उतना पाप आपको लगेगा। जल छानने के लिए 20 अंगुल बड़ा और 30 अंगुल चौड़ा, 20x30 अंगुल बड़ा वस्त्र लेना है, मोटा वस्त्र लेना है, वस्त्र को डबल करके जल को छानना है, उसके बाद उसको पीना है। नाने के जल में भी आपके नल में छलनी होनी चाहिए, नहीं तो त्रस जीव आ जाएगा अंदर। ठीक है, जिस कुएं में से आप पानी निकालो उस कुएं के अंदर वो जल, अब अगर आपने जल ज्यादा निकाल दिया हो, ध्यान दो, अगर जल ज्यादा निकाल दिया हो, आपने कुएं से जल निकाला है और आप तालाब में डालोगे तो भी नहीं चलेगा। जहां से जल निकाला है, जल अगर नहीं वपराश में हुआ है तो उसी के अंदर वो जल में ही ये जल मिक्स करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जल की विधि करके जो मनुष्य जल को पिएगा वो मनुष्य उत्तरोत्तर परम गति मोक्ष को जरूर प्राप्त करेगा। आओ, अब आगमों में ये तो जल के जीव की बात हुई, अब पृथ्वी वगैरह के जीव की बात की है। उसको भी समझना है कि एक आंवले जितना पृथ्वी का है, मतलब एक गठा आंवला बराबर एक मिट्टी का गठा, दोनों का कंपेयर किया है कि वो मिट्टी का इतना गठा, आंवले जितना गठा, उसमें पृथ्वी का के जितने भी जीव हो, अगर उन सबको सरसों के दाने इतना बड़ा कर दिया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा, उभर जाएगा, समा नहीं, जम्बूद्वीप में भी नहीं समा पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर सरसों के दाने जितने वो जीव हो गए तो पूरा जम्बूद्वीप से भी ज्यादा जीव वो एक इतने आंवले जितने पृथ्वी काय में होते हैं। अब आगे बताया है कि पानी के एक बिंदु में आंवले, हाँ एक आंवले जितने मिट्टी के ढेफे में इतने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है कि अगर उसको बड़ा शरीर मिल जाए ना सरसों के दाने जितना, तो पूरा जम्बूद्वीप भी भर जाए, उससे भी ज्यादा जीव उसमें होते हैं। और पानी के एक बिंदु में परमात्मा ने इतने जीव बताए हैं कि अगर सब ये पानी के जीव अगर कबूतर बन गए ना तो भी पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि 1,00,000 योजन में अगर कबूतर आ जाए तो वो जीव अगर छोटे बन जाए सूक्ष्म, उतने जीव पानी के एक बिंदु में होते हैं। अभी और सुनना है हमें, अभी और आगे भी सुनना है कि मकड़ी के मुख से जब वो एक छोटा सा थूक या तंतु जितना तार निकलता है ना, तंतु, उसके अंदर एक बिंदु में, मतलब जो थूक होता है उसका, थूक के एक बिंदु में जितने भी जीव होते हैं वो अगर भवरे बन जाए, भवरे भवरा बड़ा हो जाए, तो ये तीनों जगत में नहीं समा पाएंगे। आप सोचो तो मकड़ी के एक थूक में कितने सारे जीव होंगे, आप समझ सकते हो।
पानी में इतने अधिक सूक्ष्मत्रस जीव भरे हुए, सूक्ष्मत्रस, सूक्ष्मत्रस जानना हो ना तो एक वीडियो आया था, मैं आपको याद दिलाती हूँ, वो एक प्याज का वीडियो था और उसके छिलके के ऊपर, हर एक छिलके की एक एक नस के अंदर चलने वाले त्रस जीव आपने देखे थे क्या? हाँ, उसको सूक्ष्म त्रस कहा जाएगा। सूक्ष्म त्रस क्या होता है? तो ये त्रस जीव है, लेकिन कंथुए तो हमें दिखाई देते हैं, कंथुए को तो आप फिर भी देख सकते हो, आप समझ सकते हो ये कितने छोटे होंगे। पूरी लाइन कांदा प्याज की एक पतली सी नस के अंदर से लाइन से त्रस जीव चलते दौड़ते हुए आपको उसमें दिखाई दिए थे, तो उसको सूक्ष्म त्रस कहा जाएगा, जो चल रहे हैं लेकिन हमको नहीं दिखाई देते। तो अब आप ये समझ सकते हो कि एक पानी में इतने अधिक सूक्ष्म त्रस भरे हुए हैं, जैसे फूल और सुगंध, फूल और सुगंध अलग नहीं हो पाता है। फूल में से कभी आप खुशबू को अलग कर सकते हो? नहीं, वो तो पानी में से ये सूक्ष्म त्रस को आप अलग ही नहीं कर सकते हो। समझ में आया? फूल में से हम खुशबू को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही पानी के अंदर, पानी तो अपकाय के जीव है, एक इंद्रिय, लेकिन अब यहाँ त्रस जीव जो उसके अंदर चल रहे हैं, चलते फिरते त्रस जीव है, उसको तो आप पानी से अलग ही नहीं कर सकते हो, इतने छोटे जीव है वो। दक्षा, आज मालूम पड़ा पानी में त्रस जीव भी होते हैं, मालूम था क्या? डॉक्टर लेक्चर आप आ गया था। हाँ, तो देखो ये हमारी पढ़ाई में नहीं आया, उनकी पढ़ाई में आ गया होगा, उन्होंने ये जान लिया होगा, आज ये पहली बार पता चला है कि पानी के अंदर त्रस जीव भी होते हैं, और वो त्रस जीव को तो आप पानी से अलग ही नहीं कर सकते हो, मतलब आप पानी ले रहे हो तो साथ में त्रस जीव भी पेट में जा रहे। ये त्रस जीव को फूल को सुगंध से ना अलग कर पाए ऐसे होते हैं, तो वैसे ही जल को मजबूत जाड़े मोटे वस्त्र से अगर छानो ना, तब भी वो जीव बिना नहीं हो सकता। पानी की बात की है, ये पानी के त्रस जीव कितने भी मोटे 2-3 वस्त्र से छानो, आप ये त्रस जीव को छानने के बाद भी पानी से अलग नहीं कर सकते। अब समझ में आ रहा है 24 उपवास का महत्व कितना है? आ रहा है ना? तो जो भी पर्व तिथियों की आराधना का सूर्य गणांग सूत्र में देखो, ये आरंभ समारंभ का सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, सूर्य गणांग सूत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि पर्व तिथि के दिन सब आरंभ समारंभ संरंभ तीनों को छोड़ के पौषध करना है, 24 उपवास करना है, और पूरा दिन आपको खास करके पर्व तिथि के दिन मोक्ष की आराधना जो जीव चाहता है उसको, सभी जीवों को अभयदान देने के बाद उस दिन पौषध उपवास करना है पर्व तिथि के दिन। क्यों? क्योंकि पर्व तिथियों के दिन ही सबसे ज्यादा आरंभ समारंभ संरम का समय होता है, क्योंकि सारे षटकाय के जीवों के अंदर बड़ी उथल पाथल होती है, बड़ी उथल पाथल, इतनी बड़ी हलचल होती है ये पर्व तिथि के दिन, पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति त्रस, और अब तो अपकाय के भी त्रस जीव के अंदर, पृथ्वी काय के भी त्रस जीव के अंदर, सबके अंदर इतनी बड़ी उथल पाथल होती है कि मोक्षार्थी जीवों को इन पर्व तिथि के दिन अपने आप को संरम आरंभ समारंभ तीनों से दूर रखने के लिए पौषध उपवास के साथ 24 उपवास करना बहुत जरूरी है। आओ, मोक्ष में जाने से पहले हमको ये सारा चीज करना ही पड़ेगा, अपने आप को मन को मजबूत बनाओ, सम्यक दृष्टि लानी आ गई है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आपको ये विश करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब मेरे अंदर जो भी करूँ ना उसमें मक्कमता जरूर आनी चाहिए, एक दृढ़ता आनी चाहिए। इस बार ये जो पिछले कुछ लेक्चर चले इतने ही पेज हुए, अभी खाली
75 पेज हुए ये किताब के, 400 पेज की ये किताब है भाई, लेकिन 75 पेज में सम्यक दर्शन और हमको कितना मजबूत होना चाहिए ना, ये बात हमें मालूम पड़ गई कि हमें ये अब इधर और कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आगे जाएंगे। अब ये एक और बात जो अन्य धर्म की बात है, भगवत गीता में ये बात बताई है, मैं ये जरूर बताऊंगी, क्योंकि परमात्मा ने यही कहा है कि वेद वेद में लिखा है वो सही है, लेकिन उसका अर्थ गलत होता है, उसका अर्थ गलत होता है। तो हमें हम ये भी जानेंगे कि वेद वाक्य भी क्या है और उसके अर्थ को यहाँ पे आगमों की दृष्टि से उसको सही कैसे बताया गया है। पृथ्वी में भी मैं हूं, मैं का अर्थ यहां शास्त्र ने आत्मा की है, पृथ्वी में भी आत्मा है, वायु में भी आत्मा है, अग्नि में भी आत्मा है, जल में भी जीवात्मा है, वनस्पति में भी जीवात्मा है, बराबर सर्व प्राणियों में जीवात्मा के रूप में आत्मा व्याप्त होती है। जो मनुष्य आत्मा को सर्व में रहा हुआ जानने के बाद कभी भी जीव हिंसा नहीं करता है, उस प्राणियों का कभी भी नाश नहीं होता है। और वो प्राणी मरने के बाद कभी भी जन्म मरण की प्रक्रिया में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वनस्पति जल अग्नि आदि में जीवत्व की सिद्धि करने की युक्ति पहले तो बता दी थी, और अब ये प्राणी, ये इसके अंदर कितने जीव हैं और वो जीव का आरंभ समारंभ संरम कैसे हो रहा है, ये गाथा सातवीं गाथा में बताया गया है। तो अब ये आपकी सातवीं गाथा समाप्त हुई। आपको समझ में आया आरंभ समारंभ संरम क्या है? इन जीवों की विराधना करने के लिए सबसे पहले हम मन में संकल्प करेंगे, जैसे कि आज मुझे पेस्ट कंट्रोल करना है। मैं फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये बार बार श्रावक श्राविकाओं को कराना पड़ता है, कभी कभी घर की संजोगों को और बच्चों की स्थितियों को देखने के लिए, इसलिए ये मुद्दा ही मैं ज़्यादा लूँगी। आपने ये सोचा कि मुझे पेस्ट कंट्रोल कराना है, आपने जैसा ये सोचा ना, आपने ये क्या किया, आरंभ सोचा। अभी आरंभ सोचा है, पूरा कब होगा? अब आरंभ सोचा, आरंभ सोचने के बाद संकल्प लिया, संकल्प लिया मतलब उसको फोन किया, दवाई वाले को समय देकर बुलाया, तो बुलाया वो क्या हुआ, संरम्भ। क्या कहोगे उसको? सआरंभ, संरम्भ, सआरंभ मतलब आरंभ की शुरुआत, समझ में आया? संरम्भ शब्द है आरंभ का, की शुरुआत हो गई। आपने एक अपॉइंटमेंट ले ली, उसको फोन कर लिया, बुक कर लिया और उसको आज बोला कि तू 4 बजे पहुंच जा, और वो शाम को 4 बजे आपके घर पहुंच गया। तो यहां तक हुआ संरम्भ। अब हुआ है जो दवाई का खेल, दवाई का खेल मतलब आप दवाई डलवा रहे हो और बहुत सारे त्रस, सब शटकाए, सब जीवों की विराधना हो गई। तो अब ये हुआ समारंभ, ये हुआ समारंभ, आरंभ संरम्भ समारंभ। तो अब ये समारंभ करते वक्त आपका कार्य पूरा हो चुका है, तो अब आपका जो आरंभ था वो पूरा हुआ, समझ में आया? जो अगर मैं कुछ सोच रही हूं, कुछ आज मैंने आइसक्रीम खाना सोचा, मैंने सोचा तो वो आरंभ हो गया, सोचने से ही मन से, हाँ मैंने मन से तो कर लिया कि नहीं मुझे आज आइसक्रीम खाना, तो मैंने संरम्भ कर लिया मतलब आरंभ कर लिया, आरंभ शुरू हो गया है। अब आरंभ शुरू कर लिया है तो अब मैंने वो आइसक्रीम वाले को फोन किया और बोला कि भाई तू मुझे ऐसे ये दो कोन आइसक्रीम, ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तू ये वाला दो कोन आइसक्रीम मुझे बेच। तो आपने बुक कर लिया, पैसे भर दिए, मतलब क्या हुआ, ये संरम्भ मतलब आरंभ की शुरुआत, आरंभ का एक पोर्शन हो चुका है, वचन आ गया, जैसे वो पहले मन से हुआ अब वचन से हुआ, हो गया। अब आप खाने के बाद आपने पूरा शांति से पूरा आइसक्रीम आ भी गया, आपने खा भी लिया, तो अब काया से हो गया ये कार्य,
काय से हो गया, आपने उसको पूरा कर लिया, तो अब ये हुआ समारंभ। समारंभ मतलब पूरा, अभी आप खा रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो, आपके पेट में जा रहा है, षटकाय जीव की विराधना हो रही है, तो अब आरंभ समारंभ, आरंभ संरम समारंभ। पहले होगा आरंभ मन से, संरम होगा मन वचन दोनों से, और समारंभ होगा मन वचन काया से। समझ में आया? ये होता है आरंभ संरम समारंभ। ये तीनों से जब ये कार्य पूरा हो जाए तब पाप बन चुका। अब आपका ये पाप निकाचित कहो या कुछ भी कहो, अब आपका ये पाप हो गया, ठीक है। पाप कर, ये कर्म पाप के रूप में बन गया। बराबर आगे जाऊं, समझ में आ गया? हाँ, तो ये गाथा छक्काय समारंभ, छ काय की समारंभ, छक्काय समारंभे पयणे पयावणे अजे दोषा, ठीक है। पयणे या पयावणे, पकवाना और पकाना और पकवान, अतट्ठा या परट्ठा मतलब मेरे लिए या किसी और के लिए, सब चीज आ गई, पकाना पकवाना मेरे लिए दूसरों के लिए चारों चीज आ गई। तो ये चारों चीज पकाना पकवाना छह, सारा छह काय जीव का समारंभ का कारण है बुआ। छह काय समारंभ है, ये छह काय का समारंभ होता है, बराबर। आओ, उभय अठा चेवतन निंदे, ये निंदनीय कार्य है और ये लोक में निंदा कराने योग्य है। आओ आगे जाएंगे। यही देखो, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, फिर से आज बोल रही हूं। कोई भी चरम भवी हो, कोई भी मोक्ष जा रहा हो, वो जघन्य से दो दिन का उसको चौवियार उपवास अनशन होगा ही होगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना दो दिन जघन्य का चौवियार ये हुए बगैर, अनशन बगैर, ये अनशन के बगैर जीव सिद्ध गति में नहीं जाता है, ठीक है। आओ अब आठवीं गाथा। आठवीं गाथा में बार व्रत रूप देशवीरती चारित्र। अब देशवीरति चारित्र तो जो लगभग श्रावकों में, श्राविकाओं को ये होता है, हम लोगों ने तो लिया है, सबने लिया होगा। तो ये देशवीरति चारित्र में कौन कौन से अतिचार लग रहे हैं, ये हमारी है आठवीं गाथा। पंचण मणुवयण, ठीक है, पांच अणुव्रत। पंचणम अणुवयण, पांच अणुव्रत। गुणवयणम मतलब च तिणहम गुणवयणम च तिणहम मतलब तीन गुण व्रत, पांच महाव्रत, तीन गुण व्रत। अय्यारे अतिचार, ठीक है। फिर सिखाणम च चौणम, चार शिक्षा व्रत। देखो ये गाथा में ही बार व्रत आ गए। सिखाणम च चौणम पड़िकमे देशियम सवम, दिवस दरम्यान ये बार व्रत में जो की भी अतिचार लगा हो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण अतिचार के ही होते हैं, प्रतिक्रमण अतिचार के ही होते हैं। अगर पाप कर्म लग गया उसका अतिचार नहीं होता, उसको भोगना ही पड़ता है, बराबर। प्रतिक्रमण अतिचार के लगते हैं। अगर आपके, आप नियम में हो तो ही प्रतिक्रमण। अब तक शायद हमने पिछले भवों में नियम नहीं लिया होगा। अगर हम श्रावक के व्रत में नहीं आए तो फिर भव, जो भी क्रिया होगी ना, जो भी क्रिया हमने की ना, वो सबको हमको निकाचित भोग के चुकानी ही पड़ी, तभी तो हम भटक रहे हैं। बिना व्रत का कोई भी मोक्ष जा सकता है? आज ये बड़ी बात समझ में आ गई। बिना व्रत के, बिना अणुव्रत के, बिना महाव्रत के आप मोक्ष जा ही नहीं सकते। आप अपनी रोज की क्रिया का प्रतिक्रमण तब करोगे जब आप व्रत में होगे। आपने व्रत ही नहीं लिया तो रोज का प्रतिक्रमण कैसे कर पाओगे, बराबर। इसीलिए पहले तो व्रत में आना जरूरी, नियम में आना जरूरी।
पांच महाव्रत की अपेक्षा व्रत जो छोटे हो, छोटे होने से पांच महाव्रत की अपेक्षा श्रावक के व्रत छोटे होते हैं, अणु होते हैं, इसलिए उसको अणुव्रत कहा गया। और ये पांचों अणुव्रत मूल गुण रूप होते हैं, मूल गुण के ऊपर ही घा करेंगे। ये पांचों अणुव्रत मूल गुण के ऊपर ही घा करने वाले, आत्मा के मूल गुण के ऊपर। आप सोच सकते हो कि पांच अणुव्रत में है क्या हिंसा, चोरी, अस्ते, अपरिग्रह, अब्रह्म, यही तो है। और ये उससे तो मूल गुण के ऊपर ही घात होगा। इन व्रतों के बाद दिक् परिमाण आदि तीन गुण व्रत है। पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत के बाद दिशा परिमाण आदि त्रण गुण व्रत। तो ये पांच अणुव्रतों को विशेष गुणाकारी बनाने के लिए गुणव्रत कहा गया है। आप ये पांच अणुव्रत को विशेष गुणों से अगर उसका आकलन कर पाओ, उसका पालन कर पाओ, इसलिए आपको और तीन गुणव्रत भी दिए गए। उसके पश्चात परमात्मा चारित्र की प्राप्ति के लिए बारंबार अभ्यास करने योग्य, परमात्मा के जैसा बनना है, परमात्मा के जैसा चारित्र चाहिए, तो उसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा। उसका अभ्यास आपको अगर बहुत अच्छे से प्रोफेसर बनना है तो बाल मंदिर में जाके एबीसीडी या कख गग पढ़ना ही पड़ेगा। यह अभ्यास हुआ तो यह अभ्यास के लिए चार शिक्षा व्रत जरूरी है। चार शिक्षा है आपकी। शिक्षा का मतलब पनिशमेंट नहीं है, शिक्षा का मतलब आदत है। यह शिक्षा का अर्थ ये लगाना है कि आपको रोज उसकी आदत लगे, उसके लिए चार शिक्षा व्रत है। ऐसा कुल मिला के श्रावक के 12 व्रत और आश्रित दिवस संबंधी 12 व्रत में से पूरे दिन में जो भी अतिचार लगा है उसका प्रतिक्रमण करोगे। पर अतिचार तब करोगे जब आपने ये व्रत लिया होगा। आपने ये व्रत ही नहीं लिया तो आपने जो भी आज प्रतिक्रमण कर लिया उसमें नियम तो आए ही नहीं हो। और ऐसे ही नियम लिए बगैर ही आप उसके उसका प्रायश्चित करोगे तो क्या प्रायश्चित होगा ये बताओ। चलो, मेरे पास पहली बात है, मेरे जेब में एक रुपया भी नहीं है और मैं एफडी करने जा रही हूं बैंक में, मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊ, मैं नहीं कर पाऊ। आओ, आप प्रायश्चित उसका ही करोगे जो आपके पास है, जो आपने व्रत लिए हुए हो। आओ, तो 12 व्रतों में से पांच व्रत यावत कथिक, पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रत, ये जो 8 व्रत है ना वो यावत कथिक। यावत कथिक क्यों? यावत कथिक का शब्द क्या है, मतलब क्या है? तो ये पहले जो 8 व्रत है वो जितने काल के लिए हैं उतने काल तक उसका पालन निरंतर रूप से किया जाता है। अब आपने कितने काल तक लिए? आपने कितने काल तक लिए? यावत जीव लिया, श्रावक के 12 व्रत यावत जीव ही लिए ना। हमेशा के लिए हिंसा का त्याग है ना अणु अणु अणुव्रत का। हाँ, एमज होए तो ये यावत जीव हो गया। तो ये 8 है वो यावत जीव है, लेकिन पीछे के जो 4 शिक्षा व्रत है ना वो आपका यावत कथित नहीं है, वो यावत कथित नहीं है। कैसे इसको समझेंगे? वो इत्वर कथित है। क्या है? अल्पकालीन है। पीछे के जो 4 शिक्षा व्रत है वो इत्वर कथित है। जैसे कि सामायिक तो 48 मिनट के लिए ही लोगे, आप यावत जीव का नहीं लोगे, बराबर? उसमें सामायिक व्रत है ना। फिर पोषद व्रत, देशावगासिक व्रत, तो आज एक दिन के लिए लिया, तो एक दिन के लिए लिया तो वो कुछ समय के लिए हुआ। पोषद व्रत, वो भी एक दिन के लिए लिया, या 64 प्रहरी लिया तो वो भी कुछ समय के लिए लिया, उपदान किया तो 1.5 महीने के लिए लिया, 45 दिन तो वो भी कुछ समय के लिए लिया। तो हमारे जो पीछे के 4 व्रत है वो इत्वर कथित है और आगे के जो है वो यावत कथित है। आओ, सामायिक और देशावकाशिक तो प्रतिदिन किए जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए, बराबर? औषधि और अतिथि संभिभाग, ये दो व्रत अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि विशेष दिनों में किए जाता है।
समझ में आ गया। अब ये आठवीं गाथा में मुझे ऐसा लग रहा है कि व्रतों में भी आज हमको दो तीन चीज नहीं जानने को मिली, जरूर मिली। ठीक है आओ। हाँ नई चीज मिली। क्या नई चीज मिली? यावत कथिक और इतवर कथिक, ये दो भी हमको नहीं मिली। और खास करके अगर व्रत लो तो ही प्रतिगमन आएगा, ये भी बड़ी बात मिली। ऐसे ही प्रतिगमन करने वाले से ही हमारा अभी तक का कोई उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये व्रत लेकर व्रत पे मजबूती से आज तक टिके ही नहीं होंगे, ये बात 100% है। बराबर। फिर क्या हमारा समकित टिकेगा, आप ये तो सोचो। आप सम्यकत्व जान लिया, ये व्रत जरूरी है जान लिया, उसका आचरण करना जरूरी है, फिर भी हम बोलते हैं ना कि साजे मांदे, हाँ छूट आगार, हरेक में छूट, हरेक में छूट। आप अगर सुबह का पचखंड लोगे तो भी आगार एणम आगार एणम आगार एणम आता है कि नहीं आता? आता है ना, हरेक में छूट। अब छूट वाली चीज कहां तक आपका मजबूती से आप उसको पकड़ के रख पाओगे? अब भूल जाना है, अब कोई बच्चे की बात नहीं है, अब बड़ों का ही व्रत चाहिए बस। कोई बच्चे की तरह छूट हम नहीं लेंगे अभी। आओ अब उसके बाद की गाथा है पढ़मे अणुवयमी। देखो अब जो 12 व्रत तो समझा लिया है, अब 12 व्रतों के अंदर जाना है हमको। पहला व्रत है अणुव्रत, प्रथम अणुव्रत थुलग पणा इवाय विरयो। थुलग का मतलब है स्थूल, थुलग पणा इवाय स्थूल प्राणातिपात, स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत, विरयो वीरमण व्रत, पूरा शब्द ये गाथा के अंदर। तो ये जो त्रस जीवों की हिंसा की वीरति के विषय में अगर कोई प्रमाद हुआ हो, अगर कोई प्रमाद आयरियम अपसत्थे, ठीक है आयरियम अपसत्थम इत्थ पमाय अपसंगेण, अगर हमसे कोई आयरिय आचार हुआ है, जो हम वो बोलते हैं ना अतिचार हुआ है या अनाचार हुआ है, तो इत्थ पमाय अपसंगेणम, मतलब कि इस विपरीत आचरण का मैं वीरति में से बचने के लिए अप्रशस्त भाव से अगर मुझसे कोई प्रमाद के योग से, खास तो प्रमाद भी यहां आ रहा है शब्द पमाय अपसंगेणम, किसके कारण, किसके कारण, प्रमाद के कारण। प्रमाद, प्रमाद में क्या क्या आ जाएगा? शरीर की अशक्ति भी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। तो ये सब के कारण अप्रशस्त भाव में कोई विपरीत आचरण किया हो, अगर मैंने कोई विपरीत आचरण किया हो, अब मैं ये बोल रही हूं जो इतनी गाथा है उसका ही पहले अर्थ समझ लेंगे। पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति आदि पांच स्थावर जीव, उसमें से अणुव्रत मैंने ये लिया है कि ये पांचों स्थावर जीव और पंचेंद्रिय मिलके पूरे 9 प्रकार के जीव हो गए। वो सभी जीव की हिंसा 9 प्रकार की होती है। देखो 9 प्रकार के जीव हैं, फिर से गिनाऊ, पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति पांच स्थावर, उसके बाद एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय, एकेंद्रिय तो आ गए, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय, 4 कौन हुए? एक मिनट। तो पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति पांच स्थावर और एक बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, 4, 5 और 4 9 प्रकार के जीव, और 9 प्रकार के जीवों की हिंसा भी 9 प्रकार से हो गई। मन वचन काया के योग तो 9 को मन से, 9 को वचन से, 9 को काया से, 3 से अगर मल्टीपल करोगे तो 27 भेद हो गए। हिंसा के कितने अभी तक हुए? 27 प्रकार की हिंसा हुई। अब ये 27 को करण करावण अनुमोदन और 3 से गुनो, 27 को और 3 से तिगड़ी करोगे तो और कितनी होगी? 81 प्रकार की हो जाएगी, हुई ना 81 प्रकार की ये हिंसा जो अभी ये वर्तमान बताई है। तो ये 81 प्रकार की मैंने पहले भी की होगी, अभी भी हो रही है,
आगे भी होगी, तीनों तीन काल में होगी ये 81 प्रकार की। अब इसको और तीन से गुनो तो 243 भेद हो गए हिंसा के। समझ में आया? ये हिंसा की मैं सुबह भी कर रही हूँ, शाम अभी भी कर रही हूँ, रात को भी करूंगी। तो कितने हो गए? 243 भेद। 243 भेद के हिंसा मैं पूरे दिन में कर रही हूँ। ये पांच स्थूल, पहला प्राणतिपात, पहले प्राणतिपात वीरमण व्रत की जो भी मैं आराधना करते मुझे जो भी अतिचार लग रहा है, कितनी प्रकार की हिंसा का लग रहा है? 243 भेद की। ठीक है, अब ये हिंसा और दो प्रकार से होगी। ये तो द्रव्य हिंसा हुई, भाव से भी होगी, द्रव्य से भी होगी, भाव से भी होगी, द्रव्य से और भाव से। तो अब ये इसकी चतुर्भंगी हिंसा की यहां बताई गई है। हर एक चीज का चतुर्भंगी, चार भांगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैन शासन का सबसे मजबूत जोड़ है। परमात्मा ने हर एक चीज को चतुर्भंगी से बताया, हर एक चीज को। शीलवान मनुष्य और चारित्रवान मनुष्य भी चतुर्भंगी से देखा जाता है। तो अब इसको ये चतुर्भंगी हम समझेंगे कि जैसे कि मारने के परिणाम वाला शिकारी अलग है और तीर को मारने के समय, अब अगर कोई शिकारी किसी को मारने का परिणाम वाला हो तो मारने के समय उसके मन में क्या आएगा? द्रव्य से हिंसा और भाव से भी हिंसा, दोनों आएगी, आएगी ना। अगर कोई मारने के परिणाम से शिकारी ने तीर खींचा मारने के परिणाम से, तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों आ गई ना। अब वो तीर छोड़ेगा तो द्रव्य हिंसा हो गई कि वो जीव मर गया, और भाव हिंसा ये हो गई कि उसने उसको मारने की इच्छा की थी कि आज मैं इसको मार के कुछ काम करूंगा, तो दोनों आ गई। अब दूसरी बात, अगर 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 इरिया समिति में उपयोग रखने वाले मुनिराज अगर विहार कर रहे हैं, जमीन को देख के चल रहे हैं, लेकिन जमीन को देखते काजा निकालते निकालते चलते हुए भी अगर कोई जीव उड़कर नीचे आ गया, सामने आ गया, पतंगे आके बैठ गया उड़ के, और उनका पैर उसके ऊपर लग गया और वो प्राणी की हिंसा हुई, और वो प्राणी की हिंसा हुई, तो अब क्या ये द्रव्य से हिंसा हुई, लेकिन क्या वो भाव से हिंसा हुई? देखो, दो हिंसा नहीं हुई, दो हिंसा में फर्क है। जो पशु को मार रहा है वो पारधी है या वो कसाई है, वो द्रव्य से भी मार रहा है और भाव से भी मार रहा है। लेकिन अगर मुनिराज के पैर में गलती से आके अगर कोई कुकड़ा या कोई डेढ़का अगर मर रहा है, तो ये हिंसा द्रव्य से ही हुई है, भाव से नहीं हुई है। ठीक है, तो हिंसा के परिणाम वाला और हिंसा होने पर अचानक जीव मर जाए, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हिंसा के परिणाम में वैर का बंधन होता है, लेकिन हिंसा द्रव्य से जो परिणाम हुआ है, भाव से नहीं हुआ है, उसमें वैर का बंधन नहीं होता। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कर्म बंध एक ही तरफ हुआ, दोनों तरफ नहीं हुआ। समझ में आया? तो प्राणी हिंसा के क्लिष्ट परिणाम वाला जीव प्राणी की हिंसा नहीं करने पर भी वैर के बंधन में होता है और वो हिंसाकारी हो जाता है। अगर 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 इसकी जगह उल्टा हो, वो शिकारी तीर लेके खड़ा है मारने के लिए, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों लेके खड़ा है, वो तीर छोड़ता भी है और हरण भाग गया, हरण मरा नहीं, तो खाली द्रव्य हिंसा ही हुई नहीं, खाली भाव हिंसा हुई ना? ना, नहीं। जब भाव हिंसा हो जाती है, द्रव्य हिंसा अपने आप हो जाती। जब भाव हिंसा हो जाएगी तो वो जीव हिंसाकारी अपने आप हो गया, वो पारधी हिंसाकारी हो ही गया। उसने वैर का बंधन तो जब सोचा और तीर छोड़ दिया तभी बांध दिया, वो तो हरण का आयुष्य था जो बच गया। बात समझ में आ रही है क्या हुआ है? आपको लगा कि ये मैंने ये जानबूझ के किया लेकिन ये जीव बच गया, मतलब ये मैंने नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो बच गया, उसके आयुष्य से बच गया,
मगर आपने उसको मारने की बुद्धि से मारा है, तो वो बच जाए तो भी उसको मारने का जो पाप है, हिंसा का जो पाप है, वो आपको लगेगा ही लगेगा। समझ में आ गया? देखो ये कितनी बड़ी बात हुई है, कितनी बड़ी बात हुई। प्रशस्त भाव होने के कारण वो क्रिया कर्म के रूप में नहीं चढ़ पाई। क्यों? क्योंकि उनके भाव प्रशस्त है, उनका भाव एक भी कषाय प्रशस्त कषाय वाला है, किसी को भी मारने की बुद्धि का नहीं है। महात्मा का, मुनिराज का, या आपका या मेरा, अगर किसी को भी मारने की बुद्धि का भाव नहीं होगा, और अगर आपसे अनजाने में कोई ना कुछ होता होगा तो आप बच पाओगे, लेकिन पेस्ट कंट्रोल करा रहे हो, मारने की बुद्धि से ही करा रहे हो। बराबर? वो तो मारने की बुद्धि से ही करा रहे हो, तो वो आपको हिंसा का उससे आप नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर अचानक कुछ ऐसी चीज हो जाए और वातावरण बदल जाए, और अगर ये जीव अपने आप कुछ उनकी हिंसा हो जाए, अपने आप हो रही है, आपके कारण नहीं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आओ, इसके लिए एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ उदाहरण है ना, उसको हम जरूर समझेंगे। अंगार मर्दक नाम के आचार्य थे, एक आचार्य थे। रात्रि के समय में उनके पैर के नीचे खचखच आवाज आई, और वो आवाज थी कोयले की भूकी। कोयला, कोयला होता है ना, कोयला कोलसा, उसकी भूकी थी। और भूकी भूकी को उन्होंने, जैसे कीड़े को मार रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने सोच सोच के बार बार पैर जोर जोर से उसके ऊपर मर्दन किया, घसीटा, मर्दन किया, घसीटा। ठीक है, तो उस ऐसा ऐसा हुआ। और दूसरा, मंद प्रकाश की मंद प्रकाश में एक रस्सी थी, वो उन्होंने सोचा ये सर्प है, तो उसको भी वो तोड़ा, उसके टुकड़े किए, उसको सर्प की बुद्धि से उसको मारा कि ये सर्प है, ये सर्पी है, और मैं उसको मार दूं। अब भाव से हिंसा हो गई, द्रव्य से तो कुछ भी हिंसा नहीं हुई। द्रव्य से तो कोयला का भूखा था और ये रस्सी था, हाँ या ना? द्रव्य से तो ये कोई जीव था ही नहीं, लेकिन अंगार मर्दक साधु ने उसको कैसा सोचा कि मैं आवाज बोलो बोलो नेट नो प्रॉब्लम जे। अंगार मर्दक साधु ने ये सोचा, हाँ कीड़ी का झुंड आ गया है, उन्होंने पैर रात को रखा होगा अंधेरे में, कोयले की चुरी थी, उन्होंने कल्पना की कि मेरे नीचे कीड़ियों का झुंड आ गया है, तो उन्होंने जोर से पैर पटक 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 के, अभी एक भी कीड़ी बचनी नहीं चाहिए, ये सोच के उसको मार दिया। थोड़े आगे गए, पैर में रस्सी आई, उनको लगा कि ये पैर में रस्सी आई नहीं, ये सांप आया है, ये सांप ही है, ये सांप ही है, तो उसने रस्सी का भी छोटे छोटे टुकड़े करके खत्म कर दिया, ये सोच के कि मैंने सांप को मारा है। द्रव्य से कोई जीव नहीं मरा था, लेकिन पाप से उन्होंने पूरे के पूरे त्रस और पंचेंद्रिय की ही हत्या की। ठीक है, तो अब यहां चतुर्भंगी आएगी। चतुर्भंगी में ये आएगा, अब तीसरा, जैसे कि अब इसमें अब ये प्रसंग को चतुर्भंगी से कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनो। अगर ऐसा कुछ भी है तो पहला भंगा आएगा द्रव्य से हिंसा और भाव से भी हिंसा, दोनों हो गई कि द्रव्य से भी हिंसा हुई है, सचमुच में वो कीड़ी का पूरा जत्था था, और सचमुच में वो सांप था, और सचमुच में उसको दोनों को मार दिया गया। अब द्रव्य से हिंसा है और भाव से हिंसा नहीं है,
मतलब कि वो चलते चलते चल रहे थे और गलती से वो कीड़ियों का समूह था उसके ऊपर उनका पैर चढ़ पड़ गया, और वो ऐसे ही चल रहे थे और दूसरा पैर उनका एक सांप था उसके मुंह पे पड़ गया, दोनों मर गए। लेकिन बिल्कुल भाव में, उनके भाव में बिल्कुल भी किसी भी जीव को मारने की हिंसा नहीं है। ये भी ऐसा हो सकता है ना। चतुर्भंगी में चार प्रकार से ये मैटर होती है, ये समझाया। अब तीसरे में ये हुआ, भाव से हिंसा हो गई लेकिन द्रव्य हिंसा नहीं है। तो भाव से हिंसा हो गई मतलब मैंने उसको मारना ही है ये सोच लिया, लेकिन आपने द्रव्य से किसी को भी नहीं मारा, द्रव्य से आपने किसी को भी नहीं मारा और भाव से आपने उसको मार दिया, ठीक है। और चौथा ये है कि द्रव्य से भी हिंसा नहीं की है और भाव से भी नहीं की है। देखो पहले था द्रव्य से भी की, भाव से भी की, चौथे में कुछ नहीं किया, ना द्रव्य से की ना भाव से की। तो चार प्रकार के संजोग होते हैं। प्राणी वध इस प्रकार से जभी भी हो तो कैसे पाप चढ़ेगा, वो समझाने के लिए चार प्रकार बताए। चतुर्भंगी समझ में आ गई? हाँ, शास्त्र में हर एक चीज को चतुर्भंगी से देखा जाता है। ग्रह की भी हम लोगों के ऊपर क्या असर होगी, कैसे फल मिलता है, वो भी चतुर्भंगी से देखना है। परमात्मा ने प्रत्येक पदार्थ को चतुर्भंगी से ही देखने के लिए बोला है। आओ अब श्रावक की सवा विश्वा दया, जो जो विसा हम बोलते हैं, सवा विसा या सवा विश्वा दया क्या है, अब आप ये समझोगे कि श्रावक की सवा विश्वा दया क्या होती है। प्राणी का वध सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार से होता है। स्थूल प्राणी का भी वध है, सूक्ष्म प्राणी का भी वध है, दो भेद है। जैसे स्थूल प्राणाधिपात और हमारे स्थूल प्राणाधिपात और जो पंच महाव्रत है वो उनका सूक्ष्म प्राणाधिपात, ठीक है, उनका संपूर्ण प्राणाधिपात। तो बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों को स्थूल समझना है, तो हम तो सिर्फ स्थूल को स्थूल से ही बच रहे हैं ना। सूक्ष्म से आप बच सकते हो, श्रावक सूक्ष्म से बच सकता है? नहीं नहीं। तो आपकी जो ये प्राण की जो दशा है, पृथ्वी अप तेउ वायु वनस्पति, ये जो बादर जीव है उसका वध तो दो प्रकार से होता है। मुनिराज ये दो प्रकार के वध से निवृत्त हो गए, इसलिए उनकी पूर्ण विश्वसा दया हो गई। लेकिन हम ये पूर्ण रूप से नहीं निवृत्त हुए हैं। संपूर्ण जीव में जीव दया होती है, जबकि गृहसीन दो में से एक सिर्फ स्थूल की, स्थूल यानी कि जो त्रस, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये चार की ही हिंसा का त्याग होता है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा का गृहस्थ को त्याग नहीं होता, बराबर, ये बात सही? क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए पृथ्वी काय आदि एक इंद्रिय की सतत प्रवृत्ति उसको करनी पड़ेगी। तो दया के 20 वस्वा में से गृहस्थ के सूक्ष्म जीव के वध संबंधी 10 दया विश्वा अपने आप कम हो गई। बोलो, जीव की सूक्ष्म दया और स्थूल दया, मतलब हम स्थूल जीव की दया और सूक्ष्म जीव की दया, सारी जीव की दया हम नहीं कर सकते, खाली मुनिराज कर सकते। तो मुनिराज 20 वसा दया का पालन करेंगे पहले व्रत में, हम लोगों के लिए आधी दया निकल जाएगी ना 20 में से। स्थूल की ही हमने व्रत लिया, सूक्ष्म का तो हमको व्रत ले ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो आगे जाऊं, इसीलिए हम संपूर्ण जीव दया नहीं कर सकते, हमारी 10 दया ही होगी। अब 10 में से भी क्या होगा, 10 में से भी घटेगा, कैसे घटेगा, सुनो। दया के 20 वसवा में से गृहस्थ को सूक्ष्म जीव के संबंधी 10 विश्वा दया कम होने से शेष 10 विश्वा दया बची। गृहस्थ को तो ये 10 विश्वा रही है। स्थूल त्रस जीवों की हिंसा के भी और दो भेद, संकल्प से जीवों का वध, आरंभ से जीवों का वध। अब हम मन के अंदर संकल्प करते हैं कि इसको मारूं या उसको मारूं, तो आप संकल्प के जो प्रथम भेद है त्रस जीवों की हिंसा का, प्रथम भेद गृहस्थ को
त्याग होता है। आपको त्रस त्रस जीवों की हिंसा का प्रथम भेद आपके पास, आपको उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी में जाओगे, आप वाहन में घूमोगे, आप एरोप्लेन में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, लिफ्ट में जाओगे, सब जगह पंखा यूज करोगे, एसी यूज करोगे, करोगे कि नहीं? तो आप आरंभ द्वारा त्रस जीवों का वध करने में निरुपाय हो कि नहीं, बताओ। देखो महात्मा क्यों गाड़ी ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रहे, अब समझ में आ रहा है? मोबाइल नहीं यूज करते, लाइट नहीं यूज करते, प्लेन नहीं यूज करते, ट्रेन नहीं यूज करते, जूते नहीं यूज करते, अब समझ में आ रहा है? हमको तो खेती भी करनी पड़ेगी, खेती नहीं करोगे तो करण करावण अनुमोदन हमको तो लग ही रहा है, हम नहीं कर रहे तब भी लग रहा है। इसीलिए आदि आरंभ आदि ना करे तो जीवन निर्वाह का अभाव हो जाए, तो गृहस्थ को त्रस जीवों का वध उसका त्याग भी संकल्प से ही होगा। तो त्रस जीवों का त्याग संबंधी 10 विश्वा में से आरंभ जन्य हिंसा के 5 विश्वा कम हो गए। आपसे आरंभ तो होता ही है ना, हाँ, तो 5 विश्व कम हो गई, अब 5 ही बची है गृहस्थ के पास, अब 5 ही दया बची है, अब उसमें से भी और आप क्या नहीं कर रहे हो, आगे आओ। अब गृहस्थ को इस तरह त्रस जीवों की हिंसा का जो संकल्प से ही त्याग है, आप अभी संकल्प से ही त्याग कर रहे हो, आप व्रत से नहीं कर रहे हो, उस संकल्प में हिंसा के त्याग के भी उसमें भी और 2 भेद आएगा। अपराधी जीव संकल्प से वध अपराधी और जीव संबंधी, और संकल्प से वध निरपराधी, समझ में आया? निरपराधी जीव का वध और अपराधी जीव का वध, ये भी 2 अलग हो गया। अब जब अपराधी जीव का वध होगा कि नहीं, अगर कहीं से सांप निकल आया जहरीला तो क्या करोगे, बताओ? या फिर कुछ हुआ है, कीमो लेनी पड़ेगी, कैंसर हुआ है तो कीमोथेरापी लेनी पड़ती है, अंदर के जीवों को मारना पड़ता है, वो अपराधी जीव है। बराबर, बड़ा अपराध और छोटा अपराध, उसमें भी 1 और 2, बड़ा अपराध और छोटा अपराध। बराबर, तो संकल्प जन्य हिंसा के त्याग की हुई जो 5 विश्व दया है, उसमें से भी अपराध जीव की रही 2.5 विश्व और कम। आप अपराधी जीव को तो मार ही रहे हो, आप सिंह सामने आ गया या शेर सामने आ गया तो कोई ना कोई प्लान करोगे ना, गवर्नमेंट को फोन करोगे, कुत्ते अगर हड़काया हो जाता है तो गवर्नमेंट को फोन करके उसको भेज देते हो कि नहीं, भेजते हो कि नहीं? तो 2.5 विश्वा ही दया बची, निरपराधी जीव की ही दया आप कर रहे हो, आप सिर्फ निरपराधी जीव का कर रहे हो। अब उसमें भी 2 आएगा, सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपराधी के भी 2 भेद, सापेक्ष निरपराधी, निरपेक्ष निरपराधी, इसको समझो। गृहस्थ को किसी भी सापेक्ष अपेक्षा के बगैर, अपेक्षा कारण बिना निरपराधी जीव का त्याग है, बिना अपेक्षा। लेकिन सापेक्ष त्याग है, सापेक्ष त्याग है, ध्यान से सुनो। अगर आप बैलगाड़ी में बैठे हो तो भैंसा घोड़ा अगर चलेगा नहीं तो क्या करोगे? अच्छा, आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप किसी जीव को नहीं मार रहे हो, लेकिन ट्रेन के नीचे जितने जीव आएंगे मरेंगे, क्या होगा? हाँ, सापेक्ष आप जानबूझ के नहीं मार रहे हो, लेकिन निरपेक्ष तो मार ही रहे हो ना, बिना अपेक्षा मार रहे हो कि नहीं? मुझे उसका चमड़ा नहीं चाहिए, मैं चमड़ा लेने के लिए ना मारूं, लेकिन वो निरपराधी मेरे बिना प्रयत्न के भी मर तो रहा है, मर तो रहा ही है।
तो निरपराधी जीव की हिंसा के त्याग में, अब आपने इसमें त्याग नहीं किया है, आपने इसका त्याग नहीं किया है, मतलब आप ट्रेन में जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप चल के जा रहे हो, तो आपने चलते हुए हरते फिरते त्रस बीज और त्रस का है जीव की, पंचेंद्रिय जीवों की, आपने कोई हिंसा का त्याग नहीं किया है, तभी तो चल रहे हो ना, तभी प्लेन में जा रहे हो, तभी ट्रेन से जा रहे हो, क्योंकि आपने इसका त्याग नहीं किया। अगर त्याग करते तो आप जाते, तो उसका त्याग नहीं किया है, तो अढ़ाई में से और सवा निकल गया, आधा ही रहा ना, आधा क्या रहा, निरपराधी जीवों को आधा क्या रहेगा। संकल्प से मैं निरपराधी जीवों की हत्या नहीं करूंगा, समझ में आया, सापेक्ष रूप से हिंसा नहीं करूंगा, ये खाली सवा विश्वा की दया बची आपके पास बस। ये दया कौन सी बची, निरपराधी जीव की सापेक्ष रूप से हिंसा का त्याग। अब समझ में आ गई बात, अपराधी जीव को तो आप मार ही रहे हो, बराबर, हाँ एकदम सरस, समझ में आवी गई ना, सवा विश्व दया आवी गई कि नहीं, हाँ चलो चलो। अब आया नौवीं गाथा जो है, अब उसकी बात की है, नौवीं गाथा में प्राणिपात वीरमण व्रज थुलग पाणाइवाय वीरयो, वही गाथा है और उसका ही यहाँ भाषांतर किया हुआ है कि वीरमण व्रत, अभी भी प्राणाधिपात वीरमणी चल रहा है, पांच मूल व्रतों का सार, मूल व्रतों का सार होने से ये पहला व्रत है उस, और पहले व्रत में थूलग मतलब कि स्थूल आने जाने की क्रिया द्वारा जो भी विकलेंद्रिय है पंचेंद्रिय है उसकी बात हुई, और उन जीवों का प्राणाधिपात घात करने से मैं विरमता हूँ, तो उसमें भी इंद्रिय श्वास उच्छ्वास आयु हड्डी चमड़ी नख आदि अतिपात उसका नाश करना, मतलब वो जीवों का शरीर का अलग अलग ऐसे विभाग करना, उसका नाश करना, उसका वियोग करना हिंसा कहलाती है, ऐसा भगवत वचन है, समझ में आया। ये सारे जो आपने विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव देखे, उनकी हड्डी अलग करो, उनके पंख अलग करो, उनके पैर अलग करो, उनकी आंखें अलग करो, ये सारा जो करना, हड्डी चमड़ी नख दांत, उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यवहार है, खास करके उसके लिए बताया गया ये, तो उसमें से आप ये हिंसा से विरम गए हो, आप उससे विरम चुके हो, ठीक है। तो तीसरा अर्थ, अब ये बाह्य साधन लक्षणों से परिचय हो सके इसीलिए ये बादर बे इंद्रिय है, आपको उसकी सूंड से मालूम पड़ेगा कि ये हाथी, तो ये पंचेंद्रिय हो गया, संगनी पंचेंद्रिय ये हो गया, आपको उससे पता चले, बराबर। तो अतिक्रम व्यतिक्रम आदि अतिचार के द्वारा वो व्रत लिया और उसमें मलिनता हो गई हो, प्रमाद के कारण अप्रशस्त भाव से वध बंधन आदि कारण बन गया हो, किसी भी जात के भूत ग्रह व्याधि आदि की शांति के लिए ये वध बंधन आदि आचरण प्रशस्त भाव से होता भी है, मतलब जो आप जो भूत ग्रह या भूत प्रेत है व्याधि आदि उसकी शांति के लिए, आपको ये पता है कि जो वेद वेदांग हो या कोई भी हो बलि भी दी जाती है, मालूम है ना बलि में वध बंधन हुआ कि नहीं, होता है ना बलि का कारण मारी मरकी हो जाए, ये प्रशस्त भाव से कहा गया है कि भाई पूरे नगर में मारी मरकी हो गई है तो अभी वो कोई दवाई छंटवाओ, जैसे ये प्लेग होता है तो दवाई छांटना के काम होता है कि नहीं, बलि की बात नहीं करेंगे, बलि तो है ही नहीं प्रशस्त, लेकिन अगर मान लो कि ये जो प्लेग निकलता है तो बहुत सारे चूहों को मारने के लिए दवाई की जाती है, प्लान किया जाता है, बराबर, हाँ हाँ। तो ये कैसे कहा जाएगा, ये प्रशस्त भाव कहा जाएगा, अब जो वध बंधन होगा ये कैसे कहा जाएगा, प्रशस्त भाव,
समझ में आया? इसमें भी प्रशस्त कारण आ सकता है। आयरीय अतिचरियम शब्द का पद का अन्य अर्थ अन्यत्र जाने के लिए होता है। तो जो अतिचार और अनाचार, ये दो चीज इसमें आ सकती है। देशवीरती से सर्ववीरती में जाना, समझ में आया? देशवीरती से सर्ववीरती में जाना मतलब आप देशवीरती आपने ली है, सवा विश्वा की दया कर रहे हो, अब आपको पूरी दशा का पालन करना है, आप सर्ववीरती में जाओ, ये भी संभव है। तो ऐसा भी अन्यत्र गमन प्रतिक्रमण के द्वारा हो सकता है। तो अपसत्थे आयरिय अपसत्थे, ये आयरियम अपसत्थे ये गाथा है, ये उसका अर्थ किया गया है। आओ, प्रशस्त भाव में क्रोधादि कषाय के औदयिक भाव होने पर भी वध बंधन क्रिया हो तो देशवृत्ति से सर्ववृत्ति में जाने का कारण बनता है। देखो, अगर आपसे ऐसा कोई वध हो गया, आपने जैसे कि एक उपाश्रय है, बहुत सारे महात्मा है, और आपको ये पता चले कि यहाँ बहुत सारे सांप का पूरा झुंड आ रहा है, सर्प का झुंड आ रहा है, जमीन से निकला है, और आप ये करो, आपको इसका इलाज कैसे करो, तो कि अंदर बहुत सारे 200-500 महात्मा बैठे हैं और आपको महात्मा को बचाना है, तो आप क्या करोगे? उपाश्रय का जो बाहर का दरवाजा रो, जो एरिया है जहां से सांप जा सकते हैं, वहां पे बड़ी सी आग लगा दो, लकड़ियां वकड़ियां लेके जला दो, आग लगा दो, ताकि सर्प यहाँ डर के आए ही नहीं, यहाँ से ही वापस चले जाए। और ऐसे में सर्प को तो वापस जाने का रास्ता या इधर उधर भागेंगे वो आग देख के, आग महसूस करके। वो उसमें कहीं दो चार सर्प वो आग में अगर कहीं जल भी गए और मर भी गए तो ये हिंसा क्या कहलाएगी? प्रशस्त भाव के कारण हुआ कषाय, इसको आप क्या कहोगे? अपसत्थे। देखो गाथा में ये शब्द है कि नहीं? अप्रशस्त भाव से किया क्रोध, आप सीधे वो सर्प के ऊपर ही घात करोगे, और प्रशस्त भाव से किया हुआ क्रोध आप किसी अन्य को बचाने के लिए ये प्रयोग करोगे। बात समझ में आई? अब यहां से एक बात मिली है, मैं आपको समझाना चाहूंगी। अगर आपके घर में कुछ वांदा या उसका उपद्रव हो गया है और आप ये चाहते हो कि ये घर से ये चीज निकले, और आप अगर दवाई ववाई सब डाल रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ये प्रशस्त रूप से वो कषाय करना चाहिए। प्रशस्त कषाय कैसे होगा? तो जो जो स्थान है, जो खाली है, वो सब आप खाली कर दो। जितने भी पंचेंद्रिय उसमें से वांदे और ये सब निकले, वो सबको आप झाड़ू और सुपड़ी या कपड़े में लेके घर के बाहर फेंक दो। उसके बाद वो एरिया, वो दवाई से वो एरिया को पोछा या दवाई डाल के साफ करो। ये प्रशस्त भाव होगा, ये प्रशस्त से कषाय होगा, बताओ। आपको अप्रशस्त भाव से किसी भी जीव के ऊपर कषाय सहित कोई भी मरने की दवाई नहीं डालनी, मारने की बुद्धि से नहीं मारना। ये बात समझ में आ गया? अप्रशस्त भाव में क्रोधादि कषाय के औदयिक भाव में होने पर भी अगर वध बंधन क्रिया हो, अप्रशस्त भाव में, प्रशस्त नहीं अप्रशस्त भाव, ठीक है, क्रिया हो या देशवृत्ति से सर्ववृत्ति में जाने का कारण बना हो, अगर आपसे कोई जीव मर गया और आपने ये सोचा कि चलो मुझे तो ये जगह ही छोड़ देनी है, मैं अब श्रावक नहीं, मैं साधु बनना चाहता हूँ। कभी कभी होता है ऐसे, हिंसा के भाव से भी आपको दीक्षा आ जाती है, आती है कि नहीं? आ जाती है ना? आपको ये मालूम होगा कि बहुत सारी व्यक्ति को जब पता चलता है ना, चौथे स्टेज का कैंसर हुआ है, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको बताऊं, उसमें महात्मा, वो व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके उसको पता चला, हॉस्पिटल से जब वो घर पे आई, उसने बोल दिया अभी मुझे कोई इलाज नहीं कराना है, मेरे अंदर पड़े हुए किसी भी जीव को मैं मारना नहीं चाहूंगी, उसे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। और उसने उसी वक्त
हाथ जोड़ के सर्ववीरति चारित्र ले लिया। तो ये सर्ववीरति चारित्र लेने का निमित्त कौन बना? वो सारे जीव जंतु ना जो उनके शरीर में थे। अब एक बार उन्होंने ये ली, पहले दो तीन बार ली होगी, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है, लेकिन जब लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी और बेकार में मुझे ये जीवों को नहीं मारना है, तब उन्होंने ये ठान लिया कि अब छोड़ो, मैं एक भी जीव को नहीं मारूं और मैं सभी जीव के कल्याण का मार्ग लेके सर्ववृत्ति ले लूं। बराबर। तो ये अब प्रशस्त भाव से सर्ववीर देश वृत्ति से सर्ववृत्ति में जाने का कारण बना, है ना। वध बंधन आदि अतिचार, क्रोधादि वध बंधन, किसी को मारना, किसी को बांधना, किसी बच्चे बच्चे को आप 2 घंटे के लिए किसी बाथरूम में बंद कर दो तो वो बंधन हुआ, किसी बच्चे को आप 2-4 बेलन या फुटपट्टी लेके मारो तो वो मारने की भावना बुद्धि हुई। तो ऐसे में जो भी अप्रशस्त भाव होता है उसका अतिचार लगता है, श्रावक को उसका अतिचार करना है। आज मैंने बच्चे को डांटा, अतिचार करो। आज मैंने बच्चे को 2 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दिया, मैं उसका अतिचार करूं। आज मैंने किसी जीव को 2 घंटे के लिए बांध दिया, मैं उसका अतिचार करूं। बराबर। आओ, प्रथम व्रत में ये वध बंधन आदि अतिचार, दूसरे स्थूल मृषाबाद वीर मन व्रत आदि के द्वारा भी लगने, प्रथम व्रत में लगने का संभव है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, देखो। दूसरा है मृषावाद वीरमण, स्थूल मृषावाद मतलब झूठ बोलना मैं टालूंगा, लेकिन झूठ कभी कभी हम लागणी या अपने भाई बहन के प्रेम के कारण भी झूठ बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। माँ बाप की कुछ अच्छा सोच के भी आप झूठ बोल देते हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि जब लक्ष्मण को ये बोला गया कि राम की मृत्यु हो गई है, सिर्फ इतना ही सुनते लक्ष्मण तुरंत ही बेहोश हो गया। बराबर। तो रामचंद्र जी के प्रति लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा के लिए ये बोला गया था, और परीक्षा के लिए भी लक्ष्मण की, अब इतना सुनते ही कि लक्ष्मण सच में बेहोश हो गया और उसकी वो मृत्यु की स्थिति आ गई, लेकिन सबने उसको उठाया जगाया कि भाई हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे, रामचंद्र जी अभी भी जिंदा है। तो ये हुआ क्या, झूठ बोलने के कारण वध बंधन हुआ? अगर ये मर जाता तो झूठ बोलने के कारण वध बंधन होता? एक और एग्जाम्पल, यहां मरा नहीं है, एक और एग्जाम्पल। ये खाली मन से क्रिया हुई लेकिन फिर भी कर्म लग जाएगा। अब दूसरी क्रिया हुई थी कुमारपाल राजा की। कुमारपाल राजा ने एक वड के नीचे, झाड़ के नीचे बैठे थे, वहां उन्होंने एक चीज देखी कि एक चूहा आता है, अंदर से बाहर निकल रहा है, उसके डर से उसके मुंह में एक गिनी थी सोने की, और चूहा ने वो गिनी लेके बाहर रखी और चूहा वापस अंदर चला गया। और अंदर अब कुतूहल से कुमारपाल राजा ने वो गिनी ली और जेब में रख दी, छुपा दी, और वो देखने के लिए बैठे कि अब चूहा आके क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। ये सिर्फ कुतूहल बुद्धि से उन्होंने ऐसा किया। चूहा दूसरी गिनी लेके मुंह में वापस आया, आने के बाद उसने देखा तो पहली वाली गिनी नहीं मिली, चूहा बिल्कुल घबरा गया, सर पटक पटक के वहीं पे ही मर गया। तो ये दूसरे व्रत स्थूल मृषावाद के कारण पहला व्रत अतिचार लगा। इस प्रकार से दूसरे व्रत के कारण भी पहला व्रत अतिचार लगता है। ये अतिचार दूसरे तीसरे व्रत में प्रतिक्रमण के योग्य होने से पहले व्रत में प्रतिक्रमण करने का नहीं कहा है, लेकिन दूसरे में जरूर कहा है। आओ, प्रमाद के कारण इत्थ पमायप प्रमाद के कारण। अब कुतूहल से देखना भी तो प्रमाद हुआ कि नहीं, बताओ। किसी की परीक्षा करना प्रमाद है कि नहीं, शंका है ना आपको? उस पर शंका आई कि भी राम लक्ष्मण से कितना प्रेम करते नहीं पता, इसीलिए लक्ष्मण राम से कितना प्रेम करता है वो आपको शंका थी, तभी आपने परीक्षा ली ना।
कभी भी किसी की भी परीक्षा नहीं लोगे, क्योंकि परीक्षा करने से आपको वो व्यक्ति पे बिल्कुल विश्वास नहीं लगेगा। और परीक्षा लेने की आदत में कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि सम्यक दर्शन तो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो शंका के कारण ही चला जाएगा। हमने आगे देखा कि भगवान ने दिए हुए व्रत और भगवान ने दिए हुए मंत्रों के ऊपर भी बहुत से लोगों ने परीक्षा ली, की है कि नहीं की है आगे, ठीक है। तो ये वध बंधन आदि अतिचार लगे तो उसमें भी पांच प्रकार के प्रमाद आएंगे। अभी भी वध बंधन चल रहा है, कितने प्रमाद आएंगे? पांच प्रकार के प्रमाद। कौन से प्रमाद? ये पांच प्रकार के प्रमाद पर, प्रमाद के बहुत सारे प्रकार, पांच भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, आज हम सबको समझेंगे। पांच प्रकार के प्रमाद में मध्यम यानी कि मदिरा पीने के कारण आप बुद्धि खो बैठो और आप ऐसा कोई कृत्य कर बैठो जो वध का हो, वध बंधन का हो। फिर विषय मतलब कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांच इंद्रियों के विषय के से तो बहुत सारे वध होते हैं, आपको पता है। किसी को प्रेम, दो व्यक्ति को प्रेम हो जाए तो दोनों उसकी उस स्त्री के पति को जाके मार देगा, नहीं तो अपनी पत्नी को मार देगा, नहीं होता है? बोलो, विषय के कारण ये आप वध बंधन कितने सारे होते, कितने सारे होते। विषय के कारण अगर मुझे नहीं मिली वो चिलाती पुत्र में वही थी, वो कन्या नहीं मिली तो कन्या का मस्तक ही जाके काट के ले आए ना वो। उसके बाद कषाय के कारण वध बंधन, कषाय आ जाए, गुस्सा आ जाए, आप किसी को जोर से गुस्सा आ गया, आप इतनी जोर से थप्पड़ मारो कि वो इंसान गिरा, गिरने के बाद उसका सर पत्थर से टकराया, ब्रेन हेमरेज हो गया और वो वहीं के वहीं मर गया, ऐसा भी बहुत होता है। तो कषाय के कारण क्रोध मान माया लोभ, ये लोभ था जो कुमारपाल राजा ने घिनी चुरा ली, तो लोभी हुआ, वो लोभी हुआ उसके कारण। तो उसके कारण फिर मान के कारण, अहंकार के कारण भी बहुत लोग मर जाते या मार देते, तो ये कारण से भी ये सारा प्रमाद है। कषाय क्रोध मान माया लोभ सब प्रमाद है। इंद्रिय के विषय प्रमाद है, खाना पीना आहार निंद्रा मैथुन परिग्रह ये भी प्रमाद है कि नहीं, बताओ? दस के दस संगना ही प्रमाद। निंद्रा प्रमाद है, निंद्रा सबसे बड़ी ऊंग, सोना ही प्रमाद है। परमात्मा ने 12.5 वर्ष में सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त जितनी निंद्रा ली थी, वो भी प्रमाद आ जाने के कारण, वो भी उस दिन उनको जो उपसर्ग हुआ था उसके कारण थोड़ा प्रमाद आ गया और वो एक अंतर्मुहूर्त की निंद्रा आ गई। तो निंद्रा सबसे बड़ा प्रमाद। और वी कथा मतलब सारी कहानियां, राज कथा, देश कथा, स्त्री कथा, फिर भक्त कथा, किसी दूसरे की बातों में, मतलब कोई प्रकार की भी कथा आए तो वो हो जाएगी विषय। और राग की कथा तो बिल्कुल स्त्री कथा में ही आ गया। स्त्री कथा मतलब पुरुष कथा नहीं, ऐसा मत सोचना। स्त्री अगर किसी पुरुष की वार्ता अनुवार्ता करे और उसके रूप यौवन का बखान करे तो वो भी कथा ही आ जाएगी, वो स्त्री कथा में ही मानी जाएगी, पुरुष कथा में ही, ठीक है। तो ये सारा पांचों प्रकार के प्रमाद के सेवन से जीव संसार में भटकता रहता है। हमारी 10 के 10 संगना प्रमाद के ही कारण है। अगर हम प्रमादी है तो हम ये संगनी है, हम ये 10 संगना से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। देखो, ये स्त्री कथा, राज कथा, देश कथा, भक्त कथा भी प्रमाद हुआ कि नहीं, तो उसमें भी विशेष संगना है ना, सामान्य बुद्धि विशेष बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि विशेष बुद्धि जो 10 प्रकार की संगना है उसमें स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा आ गई कि नहीं आ गई? आई ना, आ गई, क्योंकि हम तो बहुत बुद्धिशाली है ना, एग्जाम्पल सुन सुन के ही सब जान लेते हैं। तो ज्यादा एग्जाम्पल सुनना आपको सीखने तक जरूरत है, उसके बाद जरूरी है क्या? नहीं, हाँ, खोटा डापन भी करने जैसा नहीं है। और कोई अगर खोटा डापन कर रहा है, मतलब कथा कर रहा है, किसी और की सुना रहा है, वो भी सुनने जैसा नहीं। हमको सिर्फ ये तैयारी ये भाव में करनी ही पड़ेगी कि मैं ये सारी चीजों को प्रमाद समझूं और मैं ये सारी चीजों से, ये प्रमाद की जो वृत्ति है उसमें से मैं बाहर आऊं।
बराबर। आओ अब आठ प्रकार के प्रमाद कहे हैं, ये तो पांच ही हुए और तीन भी उसमें जोड़ा है, तो और जो आठ प्रकार के प्रमाद है वो है अज्ञान भाव रखना। देखो ये आठ से वो पांच से अलग ही है, हम ये सोचे कि हमको ज्ञानी नहीं होना, ये तो उससे भी सबसे ज्यादा प्रमाद हो गया, हुआ कि नहीं? हमको ज्ञानी नहीं लेना है, मतलब आपको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं ना, इसका अर्थ ये हो गया ना, हम बिल्कुल बुद्धू ही बन के रहना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। अज्ञान भाव रखना ये सबसे बड़ा प्रमाद है, अगर आप जान रहे हो तो एक्सेप्ट करो कि ये गलत। आप ये मत बोलो नहीं मुझे नहीं मालूम था, ये नहीं बोल सकते। फिर जिनेश्वर भगवान के वचनों में संशय, ये तो उससे भी बड़ा प्रमाद, परमात्मा ने कहा है मेरी बुद्धि, अब आप यहाँ पे दीवी कथा राज कथा देश कथा अपनी बुद्धि डालोगे, अपनी बुद्धि, और बोलोगे कि मेरी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रहा है, मेरी बुद्धि में पृथ्वी हवा में ही है, मेरी बुद्धि में आज का जो साइंस कह रहा है वो 100% सच है, क्योंकि वो उसने ये भेजा, उसने ये भेजा आकाश में, उपग्रह भेजे, ये भेजा है, वो वहां का पिक्चर आ रहा है सब, ये हम अपनी बुद्धि के कारण परमात्मा की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, बराबर। फिर मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान ये है कि मैं संसार के हरेक पदार्थों को, हरेक जीवन देने वाले या हरेक जीवों की, संसारी सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने का, अपनी इच्छाएं पूरी करने का विचार रखूं, ये मिथ्या ज्ञान, संसार की हर चीज की कामना करूं, ये मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? तो ये संसार जीने जैसा ही नहीं है, इसमें से बाहर निकलो, ये सम्यक ज्ञान है। तो हम सम्यक ज्ञान करेंगे तो प्रमाद ही नहीं है, क्योंकि जीव को मोक्ष दिलाना ही सम्यक है। आत्मा की मोक्ष हो, आत्मा को सम्यक प्रकार से आप रखो, वो जरूरी है। आत्मा के जो आठ गुण है उसका उघाड़ करना बहुत जरूरी, आत्मा को अपने गुणों के साथ रखो ये बहुत जरूरी। तो आत्मा को उसके गुणों के साथ रहने दो तो सम्यक हुआ, और आत्मा को मिथ्यात्व के साथ रखो, ये मिथ्यात्व हुआ। आगे फिर राग, राग तो प्रमाद है ही है, क्योंकि राग के कारण ही हम संसार में, उसके बाद है द्वेष, उससे ही, उसके कारण ही हम कर्मबंध और संसार में है। फिर बुद्धि से भ्रष्ट, अब बुद्धि वापरोगे तो भ्रष्ट तो होंगे ही होगी, क्योंकि विशेष ज्ञान और आपको स्त्री कथा राज कथा देश कथा परी कथा विषय कथा तो आपको करनी ही नहीं है। आप ये कथा करने जा रहे हो, मतलब बुद्धि का उपयोग करने जा रहे हो, तो जहां भी बुद्धि का उपयोग किया आप भ्रष्ट होंगे कि नहीं होंगे बताओ? आप होगे ही होगे, आपको गुणों का उपयोग करना है, आपको गुणों का उगाड़ करना है, बुद्धि का उगाड़ बिल्कुल नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई आज? क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है ये सोचने वाले हम है ही नहीं, हम है ही नहीं। अगर बुद्धि से सोचने जाते ना तो नंदीसेन मुनि वेश्या के यहां 10 साल के रह गए तो हम तुरंत बोलते कि ये बहुत गलत हुआ। जिसने भी बोला होगा गलत था, अरे क्या गलत था, वो उनका अंतिम भव था, कर्म भोगना था, वेश्या के यहां 10 साल रहने के बावजूद वो उसी भव में मोक्ष गए, ये क्या गलत हुआ है? ये गलत नहीं हुआ है, आपके लिए गलत है, लेकिन जिनको कर्म तोड़ना है उनके लिए तो वो सही हुआ है। तो बुद्धि से भ्रष्ट हो जाएंगे हम, बुद्धि का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जरूर प्रमाद। फिर धर्म में अनादर करेंगे, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का अनादर हो गया। आपने धर्म का अनादर किया, आपने दर्शन ज्ञान चारित्र का अनादर किया, तो ये बड़ा मिथ्यात्व है। और मन वचन काया के अशुभ योग, तो मन से अशुभ विसोचना, वचन से अशुभ बोलना, काया से अशुभ चिंतन कर्म करना, तो वो तो वैसे भी संसार का कारण है, और संसार का कारण तो प्रमाद ही हुआ। ये प्रमाद के कारण आपका मिथ्यात्व टिक जाएगा,
और मिथ्यात्व के टिकने के कारण समकी दूर चला जाएगा। आओ, इन आठ प्रमाद में प्रवृत्ति करना वो प्रसंग कहलाता है। इसको ही हम प्रसंग कहते हैं, इसको ही वार्ता कहेंगे, इसको ही कथा कहेंगे। हमारी एक अपनी नई स्टोरी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं बताओ? रोज एक नई कहानी बन जाती है ना। हाँ, रोज एक नई कहानी हमारी खुद की ही बन जाती है। आज मेरी एक नई वार्ता हुई, आज किसी से झगड़ा हुआ तो नई वार्ता हुई, किसी से प्रेम हुआ नई वार्ता हुई, हुई कि नहीं बताओ? तो ये एक प्रसंग बन जाएगा, या जब तक प्रमाद में रहोगे प्रसंग बन जाएगा, वार्ता हो जाएगी। और जैसे ही प्रमाद से बाहर निकल के ध्यान में चले जाओ, समाधि में चले जाओ, कुछ खाना पीना नहीं है, अब बाकी का समय बिल्कुल ध्यान समाधि में लग जाओ, तो कोई वार्ता नहीं बनेगी। नई वार्ता नहीं बनी तो प्रमाद नहीं बना, प्रमाद नहीं बना तो उतना समय समयकत्व चारित्र में चला गया। और समयकत्व में चारित्र में आप जैसे जितने मजबूत होते गए होते गए होते गए होते गए, अब कोई प्रमाद की ताकत नहीं है कि आपका समयकत्व तोड़ पाए। तो आप क्षायिक समकिति बन जाओगे। कितना कितना आसान, कितना सरल जो है वो, अगर हम सिर्फ वृत्ति ही बंद कर देना, दो तीन भव बस, उसके बाद तो परेशानी ना हो। बोलो, होगे क्या? अब सब चीज को छोड़ना आसान लग रहा है और आप छोड़ पाओगे? छोड़ पाओगे कि नहीं बोलो? तो जितना है उतना कर्म भोगो, बस सिर्फ भोगने के लिए भोगो, उसमें मजबूती मत रखो, पैर ना टिकाओ, राग से ना भोगो और द्वेष से ना भोगो, ठीक है? इस प्रमाद के जो आप, ये आठ प्रमाद और पहले के पांच प्रमाद, ये 13 प्रमाद के प्रसंग से वध बंधन आदि जो भी अतिचार लगेगा, कषाय विषय आदि प्रमाद प्रसंग द्वारा जीव प्रायः ये व्रतों को अतिचार लगाता ही लगाता है। और ये हाँ, और ये प्रमाद प्रसंग श्रुत केवली 14 पूर्वधारी को भी अनर्थ का हेतु होता है। अब ये समझो, यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल बात आई है कि ये सिर्फ हम इंसान के लिए ही नहीं, जो श्रुत केवली है 14 पूर्वी है वो भी ये प्रमाद कर बैठते। अब आप ये सोचो कि हमारा तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और हम ये प्रमाद कर ले तो कोई फर्क नहीं है, या चलो चार दिन चार भव ज्यादा भटक लेंगे, लेकिन जो श्रुत केवली है, जो 14 पूर्वी है, जिनको इसी भव में मोक जाना है, वो अगर ये प्रमाद कर लेना तो क्या होगा? आप समझ सकते हो? अंतिम पगतिये पे जाके पूरी सीढ़ी गिर जाओ, क्या होगा? उपशम से गिरेंगे कि नहीं प्रमाद के कारण? श्रुत केवली 14 पूर्वधारी को भी अनर्थ का हेतु होता है, उनका भी अनर्थ कर देता है ये प्रमाद। फिर दूसरे की क्या बात करेंगे? 14 पूर्वी आहारक शरीरी महामुनीश्वर मन प्रयोग ज्ञानी और उपशांत कषायी, ऐसे छद्मस्थ वितराग 12वें गुण स्थान धारी मुनि प्रवर भी अगर प्रमाद के अधीन हो गए तो उनकी वैमानिक गति, मतलब देव गति में चले जाएंगे एक दो भव के लिए, अगर उन्होंने भी ये प्रमाद किया तो। अच्छा, अब वो प्रमाद क्यों करेंगे? अंदर पड़ा हुआ जो शेष बाकी है कर्म वो उदय में आ जाएगा कि नहीं? अंदर पड़ा हुआ कर्म उदय में आ गया तो वो उनका 6 लव आयु बाकी रहेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी प्रमाद के कारण। प्रमाद भोगना है प्रमाद के कारण। अब वो प्रमाद अंदर पड़ा है और उन्होंने इतनी जो 14 पूर्वी श्रुत केवली और जो साधना की है उसके कारण अब वो देवलोक, वैमानिक देवलोक की आयु बांधेंगे और वैमानिक देवलोक में जाने के बाद मनुष्य होके वो मोक्ष जा पाएंगे। तो ये 14 पूर्वी और जो मन प्रिय ज्ञानी ऐसे ऐसे महामुनीश्वर भी 12वें गुण स्थान में रहे मुनिराज भी अंदर पड़े हुए अपने प्रमाद के कर्म के उदय के कारण
लंबी आयु बांध के देवलोक में जाते हैं, समझ में आया? लेकिन उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा, प्रमाद अंदर पड़ा होगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा। आओ, तो पमत्थस सब्बो भये, प्रमाद के कारण अपमत्थस न कुतो भी भये, प्रमादी आत्मा को सभी ओर से सभी प्रकार का भय रहेगा, आयु भय, संसार भय, फिर ये मिथ्यात्व का भय, गुणस्थान से गिरने का भय सब रहेगा। लेकिन जो अप्रमादी है, अप्रमत्त, अप्रमादी, अप्रमत्त गुणस्थान, ये आत्माओं को किसी भी स्थान से कोई भी भव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये उपलक्षण से हमें ये समझना है, उसे आकुट्टी, आकुट्टी शब्द तथा दर्प द्वारा वध बंधन आदि करने से उनके व्रत को अतिचार लगेगा, उसके अनुसार उसका समझना है। उसमें शास्त्र के अंदर निषेध किए हुए आचरण को सादर कार्य करने का जानबूझ के या उत्साह पूर्वक अगर आपने संकल्प किया, ध्यान दीजिए, शास्त्र के अंदर जो जो निषेध किए हैं वो वध बंधन हिंसा सभी कार्य को आपने जानबूझ के उत्साह पूर्वक वो कार्य करने का संकल्प किया तो उसका नाम है आकुट्टी। ठीक है, उसका नाम है आकुट्टी। और वध बंधन आदि करना, उन्माद से लगे रहना, उसी तरफ दौड़ लगाना, उसको कहा जाता है दर्प। तो ये दोनों चीज, आकुट्टी और दर्प, से आप वापस ये संसार में भटकना शुरू कर लेंगे। जानबूझ के करने का कार्य को आकुट्टी कहा गया है, वध बंधन उसे चिमटना उसको दर्प कहा गया है, और कंदर्प आदि प्रमादी कहा जाता है उसको, कंदर्प आदि प्रमादी का उनका नाम है कंदर्प। तो कंदप्पे कुक्कुइये, पता है ना ये गाथा, कंदप्पे कुक्कुइये मतलब आकुट्टी, कंदर्प और आकुट्टी, बोलो, ये मालूम ही नहीं था कंदप का मतलब क्या है? पता था सारी का? ये कंदर्प है, ये प्रमाद है, आकुट्टी ये प्रमाद है, हमको पता ही नहीं था। ठीक है, दर्प से प्रथम व्रत का अतिचार लगा उनको, उसके बाद यहां मैं उसकी निंदा करता हूं, ऐसे अध्याहार से आपको उसका अतिचार और प्रतिक्रमण करना है। ठीक है, अब जो ये गाथा है पहले अणुव्रत के अलग अलग, अब ये हम अगले क्लास में करें, कल करें, क्योंकि पहले अणुव्रत के अलग अलग पांच प्रकार के पांच अतिचार नाम पूर्वक बताए हैं, वो हम अगले क्लास में करेंगे। बराबर, बोल, जय जिनेन्द्र, अब हम कल करें, जय जिनेन्द्र।